नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं बेस्ट एमसीक्यूज की क्लास। राजशेखर अबरार, गोविंद वरियर, ईशु, सोनू, सचिन, सफी, अशोक। अशोक बहुत दिन बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद आए। सचिन, अंजलि, निवेदिता, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट ईयर देंगे अब सर? क्यों, क्या हो गया? इस साल क्या दिक्कत है? कल एमसीक्यू वाली क्लास नहीं आई तो हमें लगा सिक्योरिटी इश्यू हो गया। ठीक है। बढ़िया। हमने रात में 9 बजे क्लास ली थी लाइव। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वहाँ पे क्या था कि समय ज़्यादा लग जाता है जो लाइव क्लास होती है ना। मुझे लगा कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, वो 48 मिनट चला गया, तो 1 घंटा कैसे लग जाता है पता नहीं चलता और वीडियो लंबा हो जाता है। और उसी को अगर मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किया होता, आपको दिया होता, तो काफ़ी कम समय में हो जाता। तो सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग वाला ही दिया जाए। लाइव क्लास में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्या VJNT वाले, मतलब VJNT क्या? VJNT क्या होता है? अच्छा, वनरेबल ट्राइब वाले। तो आपके पास कैटेगरी होगी तब ना, सर्टिफिकेट होगा तब वो मानेंगे। वो सर्टिफिकेट आपको इशू कराना पड़ेगा वहाँ पर से। ठीक है, चलिए। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं अकेडमी से, बता दूं 10 मार्च से आपका जो नया बैच है वो अकेडमी का शुरू हो रहा है। ये बैच उनके लिए है जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं अभी इस साल की, और 10 मार्च को ही 2022 वालों के लिए और 2023 वाले जो हैं उनके लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है। और ये बैच आपका GS का है, ऑप्शनल का बैच अलग होता है। ये सारे बैच GS का शुरू होंगे, इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी मीडियम का अलग बैच। जो फी है, फी में आपको डिस्काउंट मिलता है जब आप यहाँ पर एक कोड यूज़ करते हैं SN Live। कोई भी दिक्कत हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पर आप जाएंगे, आप वहाँ पर सुमंत लिखेंगे, आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। आप मुझे मैसेज भेजिए वहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू हो रहा है, ये सब चीज़ें। कुछ पूछना हो आप मुझे भेज सकते हैं वहाँ पर, कुछ क्लेरिफिकेशन करना हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पर। प्लस पे मेरे कोर्सेज भी हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक पे, इन्वायरमेंट पर, हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में मैंने फिजिकल और जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है वो सबको कवर किया है। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट और जो मॉडर्न इंडिया है इसको मैंने कवर किया है प्लस पे, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। ये आपके बैचेस हैं 2022 के लिए, 2023 के लिए, और एक बैच आपका NCERT का है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? महाराष्ट्र OBC में आते हैं सेंटर से। देखो, हर राज्य में जो OBCs हैं उनका, जैसे कि उनको चेक करना होता है कि क्या मैं सेंटर की लिस्ट में आ रहा हूँ। OBC का एक सेंट्रल लिस्ट होता है, उसमें चेक करना होता है। ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़े होगा। और सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको 24 मार्च के पहले।
24 मार्च आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो इससे पहले आपका सर्टिफिकेट का डेट होना चाहिए। अच्छा, पहला सवाल करो, इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वाइल्ड लाइफ इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन इशूड बाय हुम? एनजीटी, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, AWBI? सिंपल सा वन लाइन का सवाल है, बताना क्या है आंसर इसका। 1920 का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट 2019 का है, 2020 का है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगस्त 2016 का हो तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। अरे यही सब मैंने कल बताया था ना वीडियो में, 9 बजे वाले में। तो यहाँ पर आपका जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये इनका गाइडलाइन है कि हम लोग जो इको फ्रेंडली मेजर ले हैं वो लेंगे जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलो अगला है। आपका जो नॉर्थ इंडियन हिमालयन स्टेट है उनमें लगातार जो डिजास्टर है वो होता रहता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी अवलांची आ जाता है, कभी आपका फ्लैश फ्लड आ जाता है, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। अभी जो चमोली ज़िला था वो न्यूज़ में था, ग्लेशियल जो फ्लड था ना उस कारण से। ऑफन रिफर्ड एज देवभूमि, उसको देवभूमि कहा जाता है। इट इज़ अ मल्टी फेसेटेड डेस्टिनेशन ऑफ रेंजिंग फ्रॉम धार्मिक, देखो उस राज्य में हेमकुंड साहब मिलेगा आपको, वैली ऑफ फ्लावर मिलेगा आपको, जो नेशनल पार्क है ना वो, वहाँ पर चोपाता और जो पिंडारी ग्लेशियर है वो भी मिलेगा आपको। वो राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर? एकदम आसान सा है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। पिथौरागढ़ है ये, चित्तौड़गढ़ नहीं है, पिथौरागढ़ है ये। गूगल ऐसे मिस्टेक कर देता है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है वो सही आंसर है। उत्तराखंड का जो चमोली ज़िला है वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो हेमकुंड साहब है उस वहाँ जा सकते हैं, जो वैली ऑफ फ्लावर है वहाँ पर जा सकते हैं। और मान लो कि आप यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ से अपने इलाके से हरिद्वार तक आप ट्रेन से जा सकते हैं। हरिद्वार तक ट्रेन से जाने के बाद हरिद्वार के जब अंदर जाएंगे उत्तराखंड में तो आपको केवल बस की सुविधा मिलती है। बस होता है और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ना वो चलती हैं और कोई वहाँ पर सुविधा नहीं है। पहाड़ के एकदम किनारे किनारे काट काट के रास्ता बनाया गया है, आप उससे होके जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है यहाँ पे घूमने का। चलो ये बातें हो गई। तो उत्तराखंड के बारे में कौन सी बातें हैं? इसे दो भूमि कहते हैं इसको। यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी है वो मिलता है काफ़ी ज़्यादा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ सब यहीं पर है, केदारनाथ, हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहब जो है वो पंजाबियों का है, सिखों का है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सा? वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ पर आपको जो इसको हिंदी में फूलों की घाटी भी कहते हैं, आप जब छोटे बच्चे होंगे तो आपकी किताब में एक चैप्टर होगा इसका, वैली ऑफ फ्लावर का। हाँ ठीक है, जिम कर्व नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व और जो नंदा नेशनल पार्क है ना वो सब यहीं पे है। अगला सवाल है आपके कछुओं के बारे में, टर्टल्स के बारे में। क्या ये ठंडे खून के होते हैं? क्या ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं? जो संबंधित हैं सबसे पुराने रेप्टाइल ग्रुप से, क्या वो हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर तीनों हो सकते हैं?
दूसरे समुद्री जीवों की तरह क्या वो एमनियोड्स होते हैं, इसका मतलब कि क्या वो अंडे देते हैं जमीन पर। सवाल आपका है कछुए के बारे में, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं अपने बाकी जो नॉलेज है ना उसकी सहायता से। कैसे बताते हैं आपको? अरे मैं घूम के आ गया हूँ, तभी तो मैंने बताया कि हरिद्वार से आपको बस मिलेगी, हरिद्वार तक ट्रेन से आ सकते हैं, गए हैं तभी तो पता है ना। बहुत सही जगह है। नहीं, मैं घूमने गया था, जैसे कि उस टाइम दिल्ली में थे, तो दिल्ली से उत्तराखंड नज़दीक पड़ता है, बिहार से तो बहुत दूर पड़ता है। 2018 में गए थे उस समय। 2018 में वहाँ पे दिल्ली में जो चाणक्या है ना, चाणक्या IAS, वहाँ पे काम किया करते थे। तो चाणक्या का जो टेसरीज है, टेसरीज कोऑर्डिनेटर था, मतलब कि उनके टेसरीज को हैंडल करना काम था, मतलब कि टेसरीज में क्वेश्चन फ्रेम करवाना, पूरा 100 क्वेश्चन दे करके जो इंस्टीट्यूट को सबमिट करना, मतलब कि टेसरीज का पूरा जो पेपर है उसको बना के उसको देना, ये मेरा काम था। तो दिल्ली में थे तो वहीं से हो आए थे। सही जगह है बहुत। हाँ कह सकते। तो ये ठंडे खून के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये दुनिया के सबसे पुराने रेप्टाइल में से एक हैं। पहला सही है आपका। कछुए शाकाहारी, मांसाहारी, ओमनीवोर सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। उनका ये नहीं है कि आज मंगलवार है तो हम ये नहीं खाएंगे, शनिवार है तो ये नहीं खाएंगे, वो सब खाते हैं। तो सेकंड आपका सही है। सभी समुद्र क्रिएचर, जैसे कि आपके मेजोरिटी ऑफ द समुद्री जीव है ना, वो जल के अंदर अंडे देते हैं। क्या होता है, वो जल के भीतर अंडे देते हैं, मगर कछुए जो हैं वो जमीन पर आकर के अंडे देते हैं। क्लियर बात? हाँ, तो एनेमियोटोर जो होते हैं वो जल के भीतर अंडे देते हैं। तो आपका तीसरा जो है वो गलत हो गया। जो दूसरे जीव है ना वो जल के भीतर, और कछुए जमीन पर। आपको याद होगा इसका, जो उड़ीसा में जो है ना गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी, ऑलिव रिडली टर्टल याद है? ऑलिव रिडली टर्टल, ये तो अंडे देने ही आता है, अंडे देने आता है ना। तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल याद रहता तो आप तीसरा गलत कर देते, मतलब तीसरा आप काट देते, मगर आपको ये पता होना चाहिए था कि बाकी जो समुद्री जीव होते हैं वो जल में अंडे देते हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि आपका जो दूसरा नॉलेज है उसको भी यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो 1 एंड 2 सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। तो बाकी सब बता ही दिया है, सबसे पुराना रेप्टाइल है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, जमीन पर अंडा, हाँ कोल्ड ब्लडेड है। अगला सवाल आपका है हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव्स का समय आ गया है, अभी गर्मी जब आएगी, और इस साल गर्मी जबरदस्त पड़ेगी, देखना। इट इज डिक्लेयर्ड ओनली वेन मैक्सिमम टेम्परेचर रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री फॉर प्लेन एंड एटलीस्ट 30 डिग्री फॉर हिली रीजन। अलग अलग जगह पर अलग अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि वहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो अलग अलग होता है। प्लेन में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, पहाड़ों पर कम होता है, इसी कारण से आपको अलग अलग तापमान दिया है, प्लेन के लिए 40 डिग्री और हिली के लिए 30 डिग्री। कोर हीट वेव जोन क्या आपको मिलते हैं केवल राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में? बताना ध्यान से, 1 एंड 2 में कौन सा आपका सही है।
ठीक है। सर जी कल क्लास नहीं हुई थी, नहीं कल क्लास नहीं हुई थी। तो यहां पर आपका जो सेकंड लाइन है वो तो एक्सट्रीम हो गया। ये कह रहा है कि इट कवर ओनली राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मगर कई सारे आपके राज्य हैं जो हीट वेव से प्रभावित होते हैं और वो कोर एरिया में आते हैं, जैसे कि आपका बिहार है, झारखंड है, ये भी सब आता है, यूपी तो आता ही है, ठीक है ना। तो आपका दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। प्लेन के लिए जो 40 डिग्री होता है वो शुरुआती होता है, मतलब 40 के ऊपर गया तो हम कहते हैं कि हीट वेव आ रहा है। जो हिली रीजन है उसके लिए 30 डिग्री होता है। आपका ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो इसका नोट्स कैसे बनाएंगे आप? लिखेंगे हीट वेव प्लेन 40+, हिल 30+। इस तरह से आप जो नोट्स है ना वो बनाएंगे कॉपी में, ठीक है। आगे चलें। ये हो गया प्लेन के लिए 40 डिग्री और पहाड़ों के लिए 30 डिग्री। हाँ, जो आपका लोकेशन है, आपका जो एरिया है, एरिया के नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से अगर आपका 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर हीट वेव आया है। मान लो कि कोई एरिया है जो कि ठंडा प्रदेश है, मान लो कोई ठंडा प्रदेश है जिसका तापमान 10 डिग्री रहता है, तो अगर 10 डिग्री से आपका तापमान बढ़ करके 15-16 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे कि वहां पर हीट वेव आया है। देखो, हमारे लिए 16 डिग्री भले ही कम हो मगर उस एरिया के लिए 16 डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो हम उस एरिया के हिसाब से नापते हैं जहाँ का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सभी इलाके कोर हीट वेव जोन में आते हैं, ठीक है। आपने जब क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ी एनसीईआरटी वाली, तो वहां पर लू का नाम आया था, आया था, आया था ना वेदर वाले में। तो लू कहां पर चलता है, किस किस इलाके में लू चलता है एनसीईआरटी के अनुसार? नॉर्थ वेस्ट साइड में और पूरा इधर बिहार तक आता है चलते चलते। हाँ ठीक है। अगला सवाल, पुंटियस सेंटस, ये आपका एक फ्रेश वाटर मछली है, जो इनमें से कौन से इलाके में पाई जाती है? अगर ये नहीं पता तो कोई बात नहीं है, बस सुन लो नाम। हाँ ठीक है, पंजाब, राजस्थान, बिहार, यूपी। हाँ ठीक है, तो ये जो मछली है वो पाई जाती है तमिलनाडु में। बस इतना याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, अगर सुन लो एक बार, अगर ऑप्शन आएगा तो टिक मार देना, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस करंट अफेयर में था इसलिए कवर कर दिया इसको। ये जो पोंटिया सेंटस मछली है वो मिलता है आपको तमिलनाडु में, बस इतना है। ओके, अगला सवाल आपका है चारों मुसल के बारे में। इट इज़ एन इन्वेसिव मुसल नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अरेबियन कोस्ट। क्या ये साइज में छोटे होते हैं, क्या वो खाने लायक होते हैं? इट हैज़ बीन स्प्रेड रैपिडली ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात, एंड क्या ये जो लाइवलीहुड है मछुआरों का उसको खतरा पहुंचा रहा है? 1, 2, 3 में कौन सा सही है आपका चारों मुसल के बारे में? जो आपका इन्वेसिव स्पीसीज है ना वो फैलता है एक लिंक होने के कारण। वो लिंक कुछ भी हो सकता है। एक लिंक काम करता है जहाज़ों का जब बालास्ट वाटर होता है, वो
जैसे कि जहाज अगर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जा रहा है तो जहाज की तली में पानी भरा जाता है जहाज को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि जहाज पलट ना जाए। मान लो कि कोई जहाज आ रहा है साउथ अमेरिका से इंडिया की तरफ, तो जो जहाज का पानी भरेंगे साउथ अमेरिका के पास, तो यहाँ पर पानी में साथ साथ वहाँ के जीव भी भर जाते हैं उस पानी में, और इसको लाकर जब इंडिया में खाली करते हैं तो ये जीव आकर के इंडिया में आ जाता है। तो ये जीव यहाँ पर इन्वेसिव स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में मिलता है, ठीक है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में मिलता है। उसके क्वेश्चन पर पाया जाता है, तो पहला यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर बी निकल गया, यहाँ पर डी निकल गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सही है, इसका साइज काफ़ी छोटा होता है और इसको खा सकते हैं, ठीक है, तो आपका दूसरा सही है। तीसरा यहाँ पर गलत है, तीसरा यहाँ पर आपका गलत है, ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। ये मेनली फैला है केरला के कोस्ट पर, ना कि गुजरात वाले एरिया में। छोटा सा होता है, खाने लायक होता है, ये है। हाँ, और सब ठीक है यहाँ पे, बढ़िया। तो आपका जो दूसरा है वो सही है, तीसरा गलत हो गया। ए टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है। चलो, अगला सवाल आपका है सोलर एटलस के बारे में। ये जो सोलर एटलस है, क्या इसको डेवलप किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा? बायोमास एटलस, क्या इसको डेवलप किया गया है IIS बैंगलोर के द्वारा? ये सवाल आपका है इंडिया ईयरबुक से। ध्यान बताना क्या आंसर है इसका, बस कवर करना है इसको और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बात ध्यान सुनना, टेस्ट सीरीज में अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस गलत होते हैं, या पीछे वाले जो सवाल थे ना दो तीन, वैसे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है कि मेरा सवाल गलत हो गया। उम्मीद नहीं करी जाती कि आपको ये सब सवाल पता होगा, ये सब चारों मुसल और ये सब अनशन मछली के बारे में पता होगा, नहीं, ठीक ठाक आदमी को सब पता नहीं होता, ठीक है ना। अगर पता है तो समस्या की बात है, अगर आपको इन सब का आंसर पता है तो समस्या की बात है। इसका आंसर ये है कि इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन छोड़ने के लिए दिए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन करने के लिए नहीं दिए जाते हैं, सब नरगल क्वेश्चन है, समझ के बात। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको इसका आंसर पता होता, इसका आंसर मतलब ये है कि आप मेन फोकस, मेन कंटेंट फोकस नहीं कर रहे हैं, समझ गए। आपका जो कोर है उसको फोकस कीजिए। ऐसे एक आध दो सवाल रैंडम आपको मिलेंगे जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, छोड़ना है उसको चुपचाप, समझ गए। हाँ, मैंने देखा है कि कई कई बार लोग डाटा रटते रहते हैं, पूरा रिपोर्ट रट लिया, सारा इंडेक्स रट लिया और उससे पॉलिटी का क्वेश्चन छूट गया। उसने सब कुछ रट लिया, डाटा है, इंडेक्स है, रिपोर्ट है, सब रट के बैठ गए, मगर पॉलिटी का आसान सा क्वेश्चन छोड़ दिया उसने। उसका मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ज्योग्राफी का सवाल छोड़ दे रहा है वो, तो वो उसका तैयारी सही नहीं है। ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं आपको, भले ही आप इंडेक्स और रिपोर्ट छोड़ दें, ठीक है। कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये कवर करना है। यूपीएससी हर साल अपने पेपर में कुछ सवाल ऐसे देता है जो एकदम रैंडम होते हैं, इसका कोई और छोर नहीं होता। आप सोचते हैं कि ये सवाल कहाँ से आ गया, और आप उसी सवाल को करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ने लगते हैं। आप दिन भर बैठ करके द हिंदू का वीडियो देखते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आप वहाँ लगाते हैं, ये सब नहीं करना है काम। तुमको जब मैंने कह दिया कि विजन का जो मंथली है वो पढ़ते रहो, उसी को रिवाइज करो, वही सवाल आएगा, तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो यार, ठीक है। तो तैयारी ढंग से करो, ऐसा थोड़े, द हिंदू का जो आपका वीडियो होता है ना, जो आपको मिलता है यूट्यूब पर, वो एक्चुअली आपके लिए नहीं होता, वो उसके लिए होता है जो वीडियो बना रहा है। वो वीडियो व्यूज के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, समझ गए बात, वो एग्जाम के लिए नहीं होता, उससे सवाल वाल नहीं आते, क्या समझे। मैं द हिंदू का वीडियो क्यों नहीं पढ़ाता, मैं द हिंदू क्यों नहीं बनाता,
उस पर क्यों खूब व्यूज आते हैं, समझ जाओगे। एक आध बार फेल हो गए ना, समझ जाओगे क्या क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। लोग बिना फेल हुए सीखते ही नहीं हैं। जब उनको शुरू में बताते हैं ना कोई चीज़ें, उनको लगता है कि क्या सर ये यही होता है, यही पूछता है, सब सर बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं मानते वो बात। जब 1 साल 2 साल फेल हो जाते हैं ना, तब समझते हैं, आप समझ आता है कि हाँ सर ठीक कह रहे थे, सवाल सही में नहीं बना इतना मेहनत करने के बाद, इतना वीडियो देखने के बाद। हाँ तो यहाँ पर दोनों बातें जो हैं वो सही हैं, दोनों आपका इनके द्वारा निकाला आता है, सोलर एटलस, बायोमास एटलस, आपका सोलर आ गया IWE के द्वारा और बायोमास वाला हो गया आपका IAS के द्वारा। सी बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्लाइमेट सेंसिटिविटी के बारे में है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टॉलरेट अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आपको बताता हूँ मैं, 2019 का जो आपका पेपर था, UPSC का पेपर था, उसमें जिसने करंट अफेयर छोड़ दिया, जिसने करंट अफेयर छोड़ दिया उसका सिलेक्शन हो गया। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है मेरे दोस्त का जिसका रैंक 12 है, अजय जैन, ठीक है। जब मेरे मार्क्स और उसके मार्क्स मैंने तुलना किया, उससे डिस्कस किया, तो उसने ये बताया कि यहाँ पर आपको सुनने में अजीब लगेगा, और ये सब बातें टॉपर बोलते नहीं हैं जाके जैसे कि आप जब सुनते हैं ना जाकर के, वहाँ पर जो टॉपर आते हैं बात करते हैं कि ये करो वो करो ये तैयारी करो, तो ये सब बात अगर आपको टॉपर क्लास में आके बोलेगा तो आप क्या सोचेंगे, पागल हो गया है, कैसे करंट अफेयर छोड़ दें, करंट हम कैसे छोड़ दें, आपको ताज्जुब लगेगा, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए कोई भी टॉपर आकर के क्लासरूम में अनकन्वेंशनल बात नहीं बोलता, वो पॉलिटिकली करेक्ट बात बोलता है कि हाँ कोई उस पर ऐसा कोई उस पर मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ना करे, ठीक है। मगर हम लोग साथ में हैं, बात करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग को तो पता होता है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं चीज़ें हैं, ठीक है। करंट अफेयर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम छोड़ के ख़त्म कर दिए, नहीं, करंट अफेयर छोड़ने का मतलब ये है कि द हिंदू वगैरह जो पहले पढ़ते थे उसका रिलेवेंस बहुत कम गया है। आपको दिन भर में आपको 1 घंटा बैठ के द हिंदू नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसने किया क्या था कि जो आपका विजन का मंथली है वो पढ़ लिया, और आपका जो मेंस 365 आता है ना अंतिम में, उसमें उसने देख लिया कि क्या क्या टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और जो टॉपिक एक्स्ट्रा है ना बस उसको पढ़ लिया। उसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, और उसने जो कोर कंटेंट है वो पूरा तरह से उसने अच्छा कर रखा था। और मेरा गलती ये था कि मैंने GS3 में जो करंट है उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दे दिया था, और जो कोर होता है ना वो मैंने थोड़ा सा कम लिखा था, तैयार किया था, इसलिए मेरा मार्क्स GS3 में कम आया था। GS1 GS2 सही था और मेरा ऑप्शनल ठीक था, GS3 में गड़बड़ हो गया था, तो इसीलिए कम गए मार्क्स। और आपका पेपर एक पेपर में ख़राब हो गया ना फिर गड़बड़ा जाएगा। रैंक में आने के लिए आपको सारे पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये काम करना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेबस आपका जो है, ध्यान सुनना, UPSC का जो सिलेबस है पहले उसको प्रिंट कर लो, प्रिंट करके हाथ में रख लो, और जो आपका टॉपिक है ना, कल के वीडियो में मैंने बताया है कि टॉपिक कैसे लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, देखा है आपने कल के वीडियो में बताया था, याद है। कल GS1 का मैंने सिलेबस खोला था रात के 9 बजे वाले वीडियो में, और मैंने नंबरिंग करी थी कि टॉपिक नंबर 1 ये है, टॉपिक नंबर 2 ये है, टॉपिक नंबर 3 ये है, समझ गए ना। तो उसमें आपको वर्ड बाय वर्ड सिलेबस तैयार करना है। जैसे कि आपका GS1 में एक टॉपिक है सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब है ना, तो वो जो वर्ड है आपको उस वर्ड को तैयार करना है। जैसे कि आपका एक टॉपिक है कम्युनलिज्म, तो आप जो गूगल है, गूगल खोलिए और गूगल पर जाकर सर्च करिए कम्युनलिज्म UPSC, आपको एक दो वीडियो मिल जाएंगे जब बढ़िया बढ़िया, उसको देख लेना। या फिर एक टॉपर है, उसका 96 रैंक है, उसने अपना नोट्स शेयर कर रखा है,
तो उसके नोट्स को पढ़ सकते हैं। उसने बहुत अच्छा मतलब बना रखा है, आप सब नोट्स के पीछे भागेंगे। करना क्या है ना कि आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, सिलेबस का हर वर्ड आप गूगल सर्च करेंगे और उसका तैयारी करेंगे, ठीक है? हाँ सर, आप सिलेबस सेंड कर देना। हाँ मैडम, आपको हम प्रिंट करके भी दे देंगे, आपके लिए हम पढ़ भी देंगे। मतलब किस मुंह से बोलते हो यार तुम लोग ऐसे कि सर सिलेबस सेंड कर देना, ये कर देना, वो कर देना। बोलते टाइम दिमाग लगाते हो कि नहीं कि हम किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भांग खा के बैठे हो आप? सही दोगे सर? अरे सिलेबस सिलेबस सही क्या देंगे आपको, जो मैंने नोटिफिकेशन दिया है उसी में है ना सिलेबस, और किसमें सिलेबस है? ठीक है, हाँ तो आप इसके बारे में बताइए। नहीं, लोगों की आदत होती है, वो इंटाइटल्ड फील करते हैं कि सामने वाला बैठा है तो उससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। अरे झापड़ मांगो, एकदम मिलेगा। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम हो गया है। कुछ दिन पहले अच्छे एमसीक्यूज कर लेते थे, 10 दिन से 7 सही होते थे, अब 10 में से 3 सही होते हैं। तो मैंने बताया ना, जो जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसको काउंट मत करना। अभी मैंने 3 क्वेश्चन कराए बेकार टाइप के, उसको काउंट नहीं करना है। जो मैं कह दूं कि इसका आंसर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि इसका आंसर आपने नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। हाँ ऑनलाइन झापड़, यही तो समस्या है यार। यूपीपीएससी का डेट निकल गया क्या सर? हाँ जी, 2 तारीख को डेट था, मैंने लिंक भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे और लास्ट डेट भी लिखा था कि इस दिन लास्ट डेट है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर आपका जो दोनों है वो गलत है। ध्यान सुनना क्या होता है, ये जो आपका क्लाइमेट सेंसिटिवनेस होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सरफेस वार्मिंग रिजल्टिंग फ्रॉम ईच एडिशनल वाट पर स्क्वायर मीटर ऑफ रेडिएटिव फोर्सिंग। अच्छा, एक होता है क्लाइमेट फोर्सिंग, वो क्या होता है? क्लाइमेट फोर्सिंग आप नाम सुने हो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होता है? इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ध्यान सुनना, पृथ्वी के क्लाइमेट में कोई ऐसा परिवर्तन आया है, ठीक है ना, जिसने उस परिवर्तन को और बढ़ाया है। जैसे कि मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग आई, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप एसी खूब चलाएंगे। अब एसी खूब चलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा निकलेगा, जो दूसरे गैसेज हैं वो ज़्यादा निकलेंगे, आप बिजली ज़्यादा खपत करेंगे तो पावर प्लांट ज़्यादा चलेगा, कोयला ज़्यादा चलेगा, CO2 खूब निकलेगा। तो एक एक्टिविटी, ध्यान सुनिए, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को जन्म देता है और ये उसको बढ़ा देता है। जैसे कि गर्मी का बढ़ना, आपने पंखा खूब चलाया, बिजली खूब खपत हुई, तो इस कारण से आप कोयला जला करके बिजली बनाएंगे और आपका CO2 इमिट होगा, इससे गर्मी और बढ़ेगी, है ना? तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। ये होता है 2 तरह का, एक होता है पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, एक होता है नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। समझ गए? अगर हम ओरिजिनल एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हम गर्मी को कम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। ठीक है, बढ़िया। अरे तो टीचर से पूछेगा ना, टीचर से सिलेबस थोड़े मांगेगा। हाँ नॉलेज मांगो, मिलेगा। आपके पास सिलेबस तक नहीं है फिर कैसे काम होगा? आपके पास सिलेबस तक नहीं है तो कैसे पढ़ाई कर रहे थे आज तक?
बिना सिलेबस के पढ़ाई कैसे कर रहे थे मुझे ये बताओ अभी तक के। हाँ, दे दो, टेलीग्राम पर भेज दो यार सिलेबस, बहुत लोगों को समस्या है। अरे नहीं, ये वाला पॉजिटिव होगा ना, ये वाली पॉजिटिव होगी। मैं बता रहा हूँ कि क्लाइमेट फोर्सिंग नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, समझ गए? अगर ओरिजिनल एक्टिविटी को डिक्रीज करे, जैसे कि मान लो कि आपका बर्फ पड़ा हुआ है, कहाँ पर है, स्नो फॉल हुआ है, स्नो फॉल हुआ और वहां पर ब्लैक कार्बन के पार्टिकल आकर के जम गए। क्या हो गया? ब्लैक कार्बन का पार्टिकल आकर के जम गया। तो मुझे ये बताओ, ये बर्फ जल्दी पिघलेगा कि धीरे धीरे पिघलेगा? इसके ऊपर एक लेयर जम गया है ब्लैक कार्बन का। आईएएस ऑफिसर ने बताया धीरे। हाँ, और किसने बताया? राहुल पासवान ने बताया धीरे। छत पर ले जाके धीरे धीरे ढकेला जाएगा, समझ गए? अरे जब ब्लैक कार्बन जमा हुआ है तो इसका अल्बेडो अल्बेडो कम हो जाएगा ना बाबू। अगर अल्बेडो कम हो गया तो मतलब कि रिफ्लेक्शन कम होगा, जैसा कि किसने बताया था, आरती ने बताया था, बहुत बढ़िया। तो आपका जो रिफ्लेक्शन कम होगा मतलब कि हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। अगर हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो स्नो जल्दी गलेगा ना, बिल्कुल। हाँ, अब रुखसार को मज़ा आ गया। हाँ, हमको डांट पड़ रही थी, अब उसको डांट पड़ी है। ठीक है, हाँ हो गया यहाँ पर बातें। तो ये आपका होता है क्लाइमेट सेंसिटिविटी। अगला, अर्बन इकोसिस्टम के बारे में सवाल पूछा गया है, ध्यान से बताइएगा। अर्बन इकोसिस्टम के बारे में ध्यान से बताना। दे आर ऑफन वार्मर देन अदर इकोसिस्टम डैट सराउंड्स देम। आपने पढ़ा होगा एक टर्म, अर्बन हीट आइलैंड। ये सब पता होना चाहिए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट के। क्या है? अर्बन हीट आइलैंड, पढ़ा है ना? अब बताओ, अर्बन इकोसिस्टम क्या वो अपने आसपास के माहौल से ज्यादा गर्म होते हैं? दे हैव लेस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर इन टू द लोकल सॉइल। दे शो हायर रेट एंड अमाउंट ऑफ सरफेस रन ऑफ। दीज इकोसिस्टम कंटेन स्पेशलिस्ट स्पीसीज एंड एनिमल दैट वेरी अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ साइजेस। बताना ध्यान से, कौन सा आपका 1, 2, 3, 4 में सही है? रंजीत कुमार सर, मेरा एज 33 हो गया है लेकिन मेरे पास OBC 2 है, क्या मैं UPSC भर सकता हूँ? देखो, OBC 1 और 2 स्टेट वाले में होता है, जैसे कि बिहार में जाएंगे ना तो बिहार में एक होता है EBC, एक होता है BC। UPSC में केवल OBC ही होता है। तो आपका OBC का एज शायद 35 साल होता है ना, मैक्सिमम एज आपका 33 है, आप भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी का 32 साल होता है मैक्सिमम एज। हाँ, ठीक है, आप दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए? ठीक है, हाँ, मगर रंजीत कुमार आपको तैयारी करनी पड़ेगी जम के एकदम। मान के चलो कि तुम्हारे पास एक ही अटेम्प्ट है, ठीक है ना? तो जितना दम लगाना है लगा दो, और सबसे अच्छा उपाय यही होता है, जब आपको लगता है ना कि मेरे पास तो इतना अटेम्प्ट है, इतना समय है, तो आप मेहनत कम करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसका मतलब होगा आप एक्सप्लेन्ड सिलेबस देंगे। देखो, बात ये होती है ना कि मैं कितना भी कुछ दे दूं,
यहाँ पर सबको अचीव नहीं होता। जैसे कि मैंने कल बताया कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या बातें ध्यान देनी है, अब क्लास क्लास में नहीं आए, फिर ग्रुप में पूछ रहे हैं कुछ लोग कि सर मेरा सर्टिफिकेट इतना पुराना है क्या करें, उतना पुराना है क्या करें। और मैंने बताया है, मैंने कल बताया था ना वीडियो में, कि अगर सर्टिफिकेट आपका पुराना है भी और आप नया नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप पुराने सर्टिफिकेट से फॉर्म भर दीजिए। यूपीएससी को अगर लगेगा कि आपका सर्टिफिकेट पुराना है नहीं चलेगा तो वो आपसे मेल करके नया सर्टिफिकेट बाद में मांग लेंगे, या अंतिम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो कह रहा हूँ, अगर बन जा रहा है तो नया बनवा लीजिए, ठीक है। सर्टिफिकेट के कारण आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, यूपीएससी ऐसा चिंदी काम नहीं करता है, समझ गए? हाँ, ये मैंने दोबारा बताया अभी, चलो ये बातें हो गई। ध्यान सुनना, अर्बन इकोसिस्टम में अर्बन हीट आइलैंड का जो इम्पैक्ट है वो होता है, अर्बन एरिया जो होता है ना वहाँ पर कंक्रीट के कारण, जो सीमेंट के जो मकान होते हैं उनके कारण, और पूरा घना बसा हुआ होता है अर्बन एरिया, तो वेंटिलेशन की कमी होती है। जैसे कहते हैं ना कि हवादार, तो हवादार नहीं होता शहर उतना ज़्यादा, हवा फ्री फ्लो नहीं हो पाता शहर के बीच से, इसी कारण से वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, जमा हुआ होता है। बाकी जो इलाका है ना वो ठंडा होता है कंपेरेटिवली। देखो देखो इस तरह से, अगर मैं किसी शहर को ऊपर से देखूं, ऊपर जा करके, तो ये आपका है अर्बन एरिया, इसका टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा, और इसके बाजू का जो एरिया है ना इसका टेम्परेचर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम है, लोग कम रह रहे हैं, गाड़ियाँ कम चल रही हैं, घर कम हैं, खुला खुला वातावरण है, पेड़ पौधे भी खूब सारे होंगे इस तरफ शहर के बाहर, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका डाउन होता है, यहाँ टेम्परेचर आपका हाई होता है, तो आपका जो पहला है वो सही है। रेन वाटर का इन्फिल्ट्रेशन कम होता है ज़मीन में, क्यों सर? ज़मीन पर आपने ढाल करके रोड बना दिया, मिट्टी से कोई कॉन्टैक्ट रहा नहीं। अरे मिट्टी में पानी तभी रिसेगा ना जब मिट्टी ढीली होगी, समझ रहे हो बात? अगर आप रोड बना देंगे, ढाल देंगे उसको सीमेंट से, तो पानी कहाँ जाएगा ज़मीन के भीतर? नहीं जाएगा ना, तो इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, सेकंड सही है, ठीक है। सरफेस रन ऑफ ज़्यादा होगा, सरफेस रन ऑफ का मतलब ये होता है कि बारिश हुई तो पानी बह गया, ज़मीन के भीतर जाने के बजाय पानी बह गया, तो वो आपका होता है इन्फिल्ट्रेशन। जैसे कि आपका जो रन ऑफ होता है ना वो ज़्यादा होता है बारिश के बाद, स्टॉर्म के बाद, तो आपका तीसरा सही है। चौथा गलत है, यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी बहुत ही कम मिलता है, अर्बन एरिया में ब्रॉड रेंज नहीं मिलता, डाइवर्सिटी बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चौथा गलत है, आपका 1, 2, 3 सी सही है, ठीक है। हाँ, नालों में चला जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। सर तीसरा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, दे शो हायर रेट एंड अमाउंट ऑफ सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ क्या होता है? बारिश के बाद जब पानी बहता है ना रोड पर से, नाले में से, उसको हम कहते हैं रन ऑफ, ठीक है। पानी जमीन के भीतर इन्फिल्ट्रेट होने के बजाय, पानी जमीन के भीतर स्टोर होने के बजाय वो बह जाता है, तो शहर में ज़्यादा होगा ना, क्योंकि पानी रिस नहीं रहा अंदर। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो 1, 2, 3 सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके बारे में सवाल पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया अब, तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में कौन सी बातें सही हैं? प्राइवेट सेक्टर में 70% जनरेशन दे रहे हरियाणा वाले, तो क्या दिक्कत है, देने दो। अरे पॉलिटिक्स है भैया, पॉलिटिक्स है। देखो ध्यान से, पंजाब और हरियाणा
दोनों जगह पर किसान आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा है? किसान आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में गवर्नमेंट है बीजेपी की, हरियाणा का जो गवर्नमेंट है उसका जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि वो किसान आंदोलन को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ध्यान सुनना पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पे। तो किसान हरियाणा में किसान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आंदोलन में वहाँ के गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को कुछ चाहिए होगा ना कि अगले बार हमको वोट दे जनता, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। समझ रहे बात? हाँ तो समझ नहीं रहे आप बातें, भोली भाली जनता। तुमको क्या लगता है कि 75% दे देंगे तो रह जाएगा? कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा बाद में। पूरा पॉलिटिक्स है, समझ रहे बात? हाँ ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ध्यान सुनना। इसका नोट्स कैसे बनाएंगे अब ये देखो। वर्ल्ड वाइड फंड, ये लिख लिया आपने। क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एनजीओ ऐसे लिखेंगे, ठीक बात। अगला आप क्या लिखेंगे? लिविंग, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये लिखेंगे। इस रिपोर्ट को लिखने के बाद आप कुछ और नहीं लिखेंगे। इतना लिख दिया इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये समझ जाने वाली बात है कि इस रिपोर्ट को यही पब्लिश करता होगा। समझ जाओगे ना, तुम्हारा नोट्स है तो। हाँ तो बस इतना नोट्स आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो लिखते हैं आप दो दो लाइन एक क्वेश्चन में, यही सब आपका हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में। हाँ ठीक है बात, समझ गए। हाँ पाक पीस ट्रीटी की तरह फिर से लड़ेंगे दिसंबर 2022 को। देखना उस टाइम फिर से कुछ ना कुछ होगा। अभी जो गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट चलाना भले ना आता हो, उनको गवर्नमेंट बनाना आता है। तो अगर वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी सीट आ जाए इनका, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। समझ गए? हाँ बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपका है इनवेसिव स्पीसीज के बारे में, ध्यान से बताना। मोर देन 50% ऑफ एलियन स्पीसीज क्या इन्वेसिव हो जाते हैं? क्या फंगाई इन्वेसिव स्पीसीज नहीं होता? ध्यान से बनना बताना क्या आंसर सही है यहाँ पे। इन्वेसिव के बारे में कौन सी बातें सही हैं? एक बात और, टेलीग्राम पे आपको मैंने कुछ टाइम पहले कुछ वीडियो का लिस्ट दिया था, ठीक है, जो अपने चैनल वाले हैं उनका जो लिंक दिया था उसको ध्यान से जाकर देखिएगा। छोटे छोटे से वीडियोस हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, ये सब पढ़ाया हुआ है, गांधार आर्ट, ये सब पढ़ाया हुआ है, वो सब देख सकते हैं। आपने भी तो, अरे तो उस समय माहौल अलग थे ना, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, अब क्या करें। हाँ ठीक है। तो अब आप कुछ बातें पढ़ेंगे एलियन स्पीसीज के बारे में। तो ये होता है मेम का सही इस्तेमाल, ठीक है ना। मेम का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप? आपका जो स्पीसीज होता है एलियन वाला, आईयूसीएन के मुताबिक 5 से 20% जो स्पीसीज होते हैं ना वो एलियन स्पीसीज होते हैं, ठीक है। और वो सभी टैक्सोनॉमिक ग्रुप में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि सभी ग्रुप इन्वेसिव हो सकते हैं, कोई पशु, प्लांट, फंगाई, कुछ भी इन्वेसिव हो सकता है। बस क्राइटेरिया ये है कि अगर वो किसी दूसरे हैबिटेट में जाता है और वहाँ पर उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रेडेटर नहीं है, तो वो वहाँ पर जाकर के इन्वेसिव हो जाएगा। क्लियर बात? तो यहां पर आपका पहला गलत है, 50 नहीं, केवल 5 से 20% जो जातियां होती हैं वही इन्वेसिव होती हैं, और फंगाई भी हो सकते हैं। तो आपका दूसरा गलत हो गया, डी नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट।
ठीक है। अगला सवाल आपका है एंटीबायोटिक के बारे में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। हाँ बताओ राजेश क्या कहना है। लीडर बोर्ड बताइए। अच्छा बताते हैं, सर आप किसी और को डांट लगाते हो तो मुझे भी डर लगता है। ठीक है। नहीं, हॉबी वगैरह फिल करनी होती है आपको मेंस के बाद, अभी क्यों फिल करनी होगी यार। देखो जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे ना, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको डैफ भरना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं उसको, ये DAF 1 ये भरना होता है। जब आप मेंस पास कर जाएंगे तो आपको DAF 2 भरना होगा, DAF 2 भरना होगा। इस DAF 2 में आपको हॉबी भरना है, हॉबी के बाद आपको आपकी जो सर्विस प्रायोरिटीज़ हैं वो भरनी है, समझ गए बात। अभी कुछ नहीं भरना है, सब पहले प्रीलिम्स पास कर जाओ उसके बाद फॉर्म भरना होगा, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है। अक्षय रॉय बैक्टीरिया पर, बिल्कुल बैक्टीरिया पर असर करता, एंटीबायोटिक है ना, वायरस पर थोड़े असर करेगा। इसी कारण से अगर आपको सर्दी हो, सर्दी जुकाम हो और आप मेडिकल में जाते हैं, आपको एंटीबायोटिक देता है मेन गोली के साथ, तो उसको बोलिए कि हमको एंटीबायोटिक मत दो, सर्दी हुई है। ठीक है ना, तो आप बस वो जो गोली होती है बस वो लेकर के आइए, और कुछ नहीं। हाँ तो आपका दूसरा गलत हो गया। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ये कब होता है, जब आप इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। हाँ जो बैक्टीरिया है वो बदल जाता है और उस पर जो दवा का प्रभाव नहीं पड़ता, इनफेक्टिव हो जाती है दवाएं। आपका पहला सही है, A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से सुनना, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, आपने इसका नाम सुना होगा, जो बैक्टीरिया होता है अगर उसने रेसिस्टेंस पैदा कर लिया है तो वो रेसिस्टेंस हर दवाओं के लिए पैदा नहीं करता, वो कुछ दवाओं के लिए पैदा कर लेता है, मतलब कि उस बैक्टीरिया पर ये दवाएं काम नहीं करेंगी। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसको सेकेंड लाइन मेडिकेशन दिया जाता है, मतलब कि दूसरे स्तर की दवा दी जाती है और वो इस बैक्टीरिया पर काम करता है। अगर ये काम नहीं किया दवा तो एक और लाइन का दवा आता है वो देंगे, अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो ये बैक्टीरिया शक्तिमान कहलाता है, इसको हम कहते हैं सुपर बग, मतलब इस पर कोई भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सुपर बग। समझ गए सुपर बग क्या होता है। कोविड की कोई एंटीबायोटिक नहीं आया, इसलिए एंटीबायोटिक नहीं आएगा वायरस का। ठीक है। बढ़िया, तो ये बातें हो गई। हाँ देखो ये आपका हो गया, ये आपको सुपर बग कहते हैं। चल अगला आ जाओ। माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है बताइएगा। फिर वो लाइलाज बीमारी हो जाएगा। हाँ फिर उसके बाद उसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत होगी। पहला है वो सही है क्या, कहां पर है ये पार्क, ध्यान से देखना। जो आपका माधव नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहां पड़ता है, MP में पड़ता है। जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर डिवीजन का, वहां पर है। ये अपर विंध्यन हिल का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये अपर विंध्यन हिल का पार्ट है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तुम सोचो छत्तीसगढ़ में होगा तो विंध्या का पार्ट कैसे होगा,
पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, आपका लाइन में ही गलत हो गया ना, आपको नहीं भी पता होता तब भी आप आंसर निकाल देते। छत्तीसगढ़ में क्या विंध्या है? अरे विंध्या ऊपर है ना बाबू, अरावली और विंध्या ऊपर है ना। साख्या लेक, माधव सागर लेक इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। सपोर्ट करता है कि नहीं करता है वो अलग बात है, पहले देखो कि क्या माधव में ही दोनों हैं। हाँ दोनों माधव में ही हैं, दूसरा आपका सही है। साख्या लेक और माधव सागर लेक दोनों इसी में हैं, ठीक है। तीसरा आपका गलत है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका लिमिटेड एरिया में ही मिलता है। कौन कौन सा एरिया है? वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, यही एरिया है ना जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इस विंध्या रेंज में एमपी वगैरह में एवरग्रीन थोड़े फॉरेस्ट मिल जाएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश चाहिए होती है जो कि नहीं मिलता अंदर में। क्लियर बात है? तो आपका तीसरा गलत हो गया, आपने छत्तीसगढ़ काट करके, आपने एवरग्रीन काट करके अपना आंसर निकाल लिया था, कुछ जानना नहीं था इस क्वेश्चन के बारे में। आराम से आप एलिमिनेट करके अपना आंसर दो ऑनली दे सकते थे, ठीक है। हाँ यहाँ पर आपको पर्णपाती वन मिलते हैं, वो भी ड्राई, वेट भी नहीं, मॉइस्ट भी नहीं, ड्राई मिलता है। ड्राई, दो तरह के पर्णपाती वन होते हैं, एक होता है मॉइस्ट, एक होता है ड्राई, ठीक है। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर हम कहते हैं ड्राई। जैसे कि आपका एमपी है, राजस्थान का एरिया है, उसको कहते हैं, बढ़िया ठीक है। जैसे कि नीलगाय, चिंकारा, हिरन, ये सब आपको वहां पर मिलता है देखने को। हाँ जो लियोपार्ड है, वुल्फ, जैकल, ये सब आपको वहां पर जीव देखने को मिलते हैं उसमें। हाँ जो आपके माइग्रेटरी बर्ड हैं वो मिलते हैं देखने को इस तालाब में। देखो ध्यान से, जो पक्षियां होते हैं वो उस एरिया में ज्यादा होते हैं जो थोड़ा सा ग्रासलैंड टाइप का हो और जहां पर आपको जो पानी हो वो अवेलेबल हो जाए। जैसे कि पिंटेल है, वो देखने को मिलता है आपको यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल है होप स्पेसक्राफ्ट के बारे में, क्या ये पहला अनक्रूड इंटरप्लेनेटरी सैटेलाइट है जो शुरू किया गया है इसराइल के द्वारा मार्स के लिए? क्या दुनिया का पहला प्राइवेटली फंडेड मिशन है मार्स के लिए? क्योंकि बाकी तो ये हैं, एक प्राइवेट फंडेड और है, ये स्पेसएक्स, वो प्राइवेट है। न्यूजीलैंड में 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया है सर, ठीक है। सुनामी आ सकता है, 3 अर्थक्वेक एक साथ, अच्छा। एलॉन मस्क, इलॉन, ई से होता है वो, इलॉन मस्क, यूएई, बहुत अच्छा आशीष, ठीक है। हाँ इज़राइल नहीं है, ठीक है, ये संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है। तो पहला आपका गलत हो गया, ठीक है। हाँ ये पहला प्राइवेटली फंडेड नहीं है, ये पहला प्राइवेटली फंडेड नहीं है, ये अरब इस्लामिक कंट्री के द्वारा पहला कह सकते हो, ठीक है। जो पहला प्राइवेटली फंडेड मिशन था वो लूनर था, इसराइल के द्वारा, बेयर शीट मिशन कहते हैं उसको, ठीक है। ये भेज रहा है कौन? यूएई, होप नाम है इसका, होप। आपका दूसरा भी गलत है, आंसर आपका है डी, 1 एंड 2 ओनली आर करेक्ट। देखो साइंस एंड टेक पे जो क्वेश्चंस आते, ध्यान सुनना, साइंस एंड टेक अगर आपको तैयार करना है प्रीलिम्स के लिए तो आपके पास केवल दो चीज़ें करनी है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए साइंस एंड टेक का, तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है ना वो हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहा है, केमिस्ट्री से आ रहा है, तो आपका इससे हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपका जो करंट अफेयर का जो मैगजीन है बस वो कर लीजिए,
साइंस एंड टेक में आपको इतना ही करना है, इससे अलावा और कुछ नहीं करना है। सवाल अगर बाहर से आ भी गए तो टेंशन नहीं लेना है, आपको चिल रहना है, बाकी जो टॉपिक हैं उसे करने हैं। क्योंकि साइंस एंड टेक में आप कुछ भी पढ़ लें, कम ही होगा वो क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। पहला हमारा सवाल है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, क्या ये उन बेनिफिशियरी को कवर करेगा, फैमिली को कवर करेगा जो आइडेंटिफाई किए गए हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के द्वारा, क्या ये प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन को एक्सक्लूड करेगा, मतलब कि क्या जन आरोग्य योजना में जो पहले की बीमारियां हैं क्या उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्या नेशनल पोर्टेबिलिटी को अलाउ किया गया है, मतलब कि अगर आप बिहार गए हैं तो क्या आप दिल्ली में इलाज करवा सकते हैं। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नजीम तुम कल गायब थे, अब्दुल, दिव्या, किरण, हेमा, साक्षी, राजशेखर, दीपशिखा, प्रमिला, अंकित, जाहिना, मनु, सकीना, ठीक है। तो यस क्या होता है, क्लास डेली आया करो। ठीक है, ध्यान से, क्वेश्चन आसान है क्योंकि ये बहुत ही चर्चित स्कीम है, बहुत ही फेमस स्कीम है। बहुत अच्छे। तो देखो, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो बेनिफिशियरी होते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के द्वारा। इस सर्वे में जिनको जिनको पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा गया है उनको यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, मतलब कि अगर आप ये जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आते हैं तो जो पहले से बीमारी आपको हो रखी है उसका भी इलाज आपको फ्री में किया जाएगा, तो एक्सक्लूड नहीं किया गया है। फ़ायदा क्या होगा एक्सक्लूड करने का, फिर गरीब आदमी इलाज कैसे करा पाएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, और ये नेशनल पोर्टेबल है, मतलब कि आप कहीं पर भी जाकर के इलाज करा सकते हैं, ये नेशनली पोर्टेबल है। तीसरा सही है, तो 1 और 3, B जो है वो आपका सही जवाब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, क्लियर बात है। अब यहां पर समस्या की बात यह है कि इस स्कीम में जो बेनिफिट लेने वाले राज्य हैं वो ज्यादातर वो राज्य हैं जो कि अमीर हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। यहां पर पेशेंट का जो खर्चा है वो नेशनल एवरेज के 2 से 2.5 गुना, मतलब कि बिहार में अगर कोई मरीज 100 रुपये का फायदा उठा रहा है तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में 200 से लेकर 250 रुपये तक का फायदा उठा रहा है। तो जो यहाँ पर मेन जो चीज़ है ना वो है अवेयरनेस की, क्या आप गरीबों तक वो कार्ड पहुँचा पाए हैं, जिनके लिए ये योजना है उन तक वो ये जो योजना तक पहुँच तो जाए। सबसे मेन जो हमारा समस्या है वो यही है कि हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा जो फ्री कवरेज होगा वो है 5 लाख रुपए का पर फैमिली, ध्यान सुनना, पर फैमिली नॉट पर इंडिविजुअल, मतलब कि अगर किसी परिवार में 4 लोग हैं तब भी उनको 5 लाख रुपए का ही जो फायदा है वो मिल सकता है साल में, और अगर किसी फैमिली में 8 लोग हैं तब भी उस फैमिली को 5 लाख रुपए तक का फायदा जो है वो पर ईयर मिल सकता है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो जो आपकी जो होता है ना न्यूक्लियर फैमिली उसको प्रमोट कर सकता है, जैसे कि मान लो कि 2 भाई है, अगर दोनों भाई एक घर में रह रहे हैं तो कंबाइंड 5 लाख का लाभ मिलेगा, मतलब अगर आपको बीमारी हुई है और 5 लाख तक का खर्चा आ रहा है तो उसको सरकार दे देगी, मगर वहीं पर दोनों भाई अगर अलग अलग घर में रह रहे होते बंटवारा करके तो दोनों को अलग अलग मिलता, 5 लाख इसको और 5 लाख इसको, समझ गए बात। दूसरा, जो सरकारी और जो इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इम्पैनल्ड का मतलब वो होता है कि वो प्राइवेट अस्पताल जो इस स्कीम में भाग लेना चाहते हैं,
दोनों जगह आप जाकर के इलाज करवा सकते हैं, सरकारी में नहीं है तो प्राइवेट में जाकर करवाइए। और अगर वो इस स्कीम के अंतर्गत इनरोल्ड है तो ठीक है, जो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, पहले गृह मंत्रालय कर रहा था, फिर इसको इस अथॉरिटी को दे दिया गया ताकि प्रोफेशनली इसको मैनेज किया जा सके। फैमिली साइज पर कोई कैप नहीं है, कोई भी एज का बंधन नहीं है, ठीक है। पैकेज रेट पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब कि आपको जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए पैकेज आपको असाइन, मतलब कि देखो मान लो कि खांसी है, तो यहाँ पर खांसी संबंधित जो पैकेज है ना इलाज का, कि ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये दवाई है, इस तरह से, तो अस्पताल करते क्या है ना कि आपको रहता है खांसी और वो इलाज कर देते हैं टीबी का, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है बड़ा इलाज करने का। तो यहाँ पर ये समस्या हो जाती है, पैसा सरकार से वसूल लेते हैं, है ना, और आपको जो दो जो दवाई नहीं देनी थी वो भी खिला देते हैं आपको, उससे क्या फ़ायदा, ठीक है। हाँ कहते तो हैं कि आधार मैंडेटरी नहीं है, मगर आधार यहाँ पर लेंगे वो लोग आपको, क्योंकि पैसा जा रहा है ना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ध्यान सुनना, ये जो अथॉरिटी है वही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जन आरोग्य योजना जो है ना, इसको कौन कर रहा है इम्प्लीमेंट, हेल्थ अथॉरिटी। तो इस पर हमने सवाल दिया है अगला आपका, क्या इसका पुराना नाम नेशनल हेल्थ एजेंसी है, क्या ये जो गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है क्या उसको इम्प्लीमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर सीइंग द अफेयर्स ऑफ NHA। 1, 2, 3 बताना कौन सी बात सही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में, ध्यान से, ठीक है। ठीक है, जिन लोगों ने टारगेट की क्लास नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाएंगे और डेली टारगेट सर्च करेंगे, डेली टारगेट आप YouTube पर जाकर के सर्च करेंगे, ये छोटा सा वीडियो होता है 7 मिनट 8 मिनट का, जहां पर आपको खुद से पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए जो प्लान है वो बताया जाता है कि आपको आज ये पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि हमने आज आपको लक्ष्मीकांत का 3 चैप्टर पढ़ने के लिए दिया है, और क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसका 1 चैप्टर हमने आपको पढ़ने के लिए दिया है, इन्वायरमेंट के लिए, चुन चुन करके इन्वायरमेंट में ये पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। प्लस आंसर राइटिंग देते हैं, और आपका आंसर राइटिंग के अलावा जो आपके MCQs वगैरह है ना वो सब दिया जाता है, डेली आपको जो टारगेट है दिया जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, बढ़िया, फ्री है, यूट्यूब पर है, बस सर्च करना डेटा के यूट्यूब पर मिल जाएगा वीडियो आपको छोटा सा। तो यहाँ पर ये जो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इसका पुराना नाम था नेशनल हेल्थ एजेंसी, बस नाम चेंज कर दिया गया। पहला आपका यहाँ पर सही है, सेकंड सही है, क्योंकि यही है जो जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करता है। पहले ये हेल्थ मंत्रालय के अधीन आता था, मगर इसको अलग कर दिया गया, मंत्रालय से इसको अलग कर दिया गया, कहा यह गया कि तुम अब अपना अलग काम करो, मंत्रालय तुमको ओवरसाइट नहीं करेगा, तुमको देखेगा नहीं। जो NHA है, इट विल नाउ डिसाइड ऑन द सेटिंग ऑफ द बार फॉर प्रीमियम अमाउंट, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर को जो है ना रेगुलेशन, वो ये करेगा इस स्कीम के अंतर्गत। फर्स्ट सेकंड सही है, तीसरा गलत है, आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है जन औषधि योजना के बारे में, ये तो आसान है, तो पता है आपको, जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है इसके बारे में सवाल है। इट इज़ अ कैंपेन टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस, क्या बात सही है। क्या इसको शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ध्यान से बताना इसको, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में, ठीक है। फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, एक शब्द देख करके आप जो सोच रहे हैं वो आंसर नहीं है। सर लक्ष्मीकांत का चैप्टर 6th एडिशन में नहीं मिल रहा, मिला जैसे आपने बोला 65। अरे तो चैप्टर छोड़ो ना,
तुम चैप्टर का नाम देखो। देखो हुआ क्या है ना कि लक्ष्मीकांत ने कुछ नए चैप्टर ऐड किए हैं छठे एडिशन में, इसीलिए चैप्टर का जो नंबर है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, समझ रहे हो। जैसे कि छठे एडिशन में जीएसटी काउंसिल ऐड कर दिया उन्होंने, पांचवें एडिशन में ये वाला जीएसटी काउंसिल नहीं है, तो बीच में जब कुछ चैप्टर ऐड किया तो नंबर घसकेगा ना एक एक आगे। तो चैप्टर का नाम देख लो और तुम्हारे पास जो किताब है जिस एडिशन की उसमें उसका नाम ढूंढ लो, समझ रहे हो बात। किताब नया नहीं खरीदना है, अगर आपके पास पांचवा एडिशन का लक्ष्मीकांत है तो छठा वाला किताब नहीं खरीदना है। जो नए चैप्टर है ना उसको फोटोकॉपी करा लो, या फिर तुमको नेट पे मिल जाएगा उसका, लिखना सिक्स्थ एडिशन एक्स्ट्रा चैप्टर्स लक्ष्मीकांत, आपको छोटा सा पीडीएफ मिल जाएगा 15-20 पेज का, उसको बस पढ़ लेना। नया किताब नहीं खरीदना है 5-6 चैप्टर के लिए। हाँ, आयुर्वेदिक पर ध्यान नहीं दिया और गलती हो गई। मैंने कहा था आपको कि आप सोच रहे जो आंसर नहीं है। प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना है ये जेनरिक मेडिसिन के लिए है। किसके लिए है? जो जेनरिक दवाइयां हैं उनके लिए है, आयुर्वेदिक वाला के लिए नहीं है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है इंप्लीमेंट? केमिकल फर्टिलाइजर था ना, क्या था, कौन सा मंत्रालय था, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ये तो ठीक है, मंत्रालय कौन सा है, केमिकल, ठीक है ना। तो आपका पहला सन्नाटा, दूसरा सन्नाटा, डी आपका सही जवाब है, ठीक है। डी आपका जो है वो सही जवाब है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एक पीएसयू है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया ये इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, बप्पी लाहिरी, B12PPI, ठीक है ना, ये जो है वो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। क्लियर बात। चलो अगला सवाल आपको दे रहे हैं, जो एक जीव है उसके ऊपर, ये जो स्पीसी है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर, जैसे कि कछुआ है, मगरमच्छ है, शार्क है, ये बहुत ही पुराने जीव हैं। इन्हीं के जैसे ये जो जीव है वो बहुत ही पुराना है, वो अंधा होता है और वो अपने शिकार को पकड़ता है अल्ट्रासोनिक साउंड के जरिए। ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो शिकार से टकरा करके इसके पास लौटता है और इसके दिमाग में एक इमेज बनती है कि यहां पर होगा, ठीक है। मान लो कि आप घर में चल रहे हैं, घर में आप चल रहे हैं, अचानक से बिजली चली जाए, रात का समय हो, बिजली चली गई, पूरा अंधेरा है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है कि यहां पर सीढ़ी है, यहां पर ये वाला रास्ता है, यहां पर ये वाला गेट है ना। तो आप चलते हैं अंदाजा से, दिमाग के इमेज के सहारे। वही काम इस ये भी करता है, इसके दिमाग में इमेज बनता है कि यहाँ पर जो है ना हमारा शिकार है, ठीक है। वो कौन सा जीव है? ड्यूगोंग, गंगाटिक डॉल्फिन, पर्पोइस, ऑक्टोपस। पता है ना ऑक्टोपस क्या होता है, 8 पैरों वाला जीव। हाँ बताना ध्यान से, क्लास लंबी होगी अभी तो ध्यान से बैठे रहना, पढ़ते रहना। एक बात और, YouTube पर जाना और इंडियन पॉलिटी सुमंत कुमार सर्च करना, आपको MCQ का वीडियो मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी सुमंत MCQ का जो वीडियो है ना वो मिल जाएंगे आपको। मैंने जो पूरा सेट है MCQ का वो डाला है YouTube पर, वो देखिएगा। यहाँ पर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, देखो एक्चुअली बात यह है ना कि यहाँ पर मैंने MCQ के जरिए जो टॉपिक्स हैं वो कवर किया है, क्योंकि सवाल करके जो टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर कर सकते हैं, भूलोगे नहीं फिर उसके द्वारा। तो इंडियन पॉलिटिक्स मैंने बनाया है और जो इकोनॉमी है उस पर बनाया है, बस सर्च करना, ठीक है। यूट्यूब पर जा करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी पर, इकोनॉमी पर, इन्वायरमेंट पर बनाया है और जो मॉडर्न इंडिया है ना इस पर भी बनाया है, बस सर्च करना मॉडर्न इंडिया MCQ सुमंत कुमार, बस ऐसा आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर।
चलो, तो ये जो जीव है वो देख ही रहे हो, कौन सा जीव है? डॉल्फिन, गंगाटेक डॉल्फिन। अंधा होता है और ये अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करता है। एक बात और, बिहार जो जो बीपीएससी है उन्होंने सीडीपीओ का जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी काफ़ी कम है, करीब 55 सीटें हैं। 55 सीटों में से करीब 18 सीटें जो है ना वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं, तो बाकी सीटों पर आप जो फाइट है वो कर सकते हैं। सीडीपीओ का जॉब अच्छा होता है, 53,000 से लेकर के सैलरी शुरू होती है और 1 लाख के ऊपर तक जाती है। बिहार सरकार की जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हैं। शायद 5 मार्च से शुरू होगा इसका अप्लीकेशन। हाँ, यूपीएससी का जो आप तैयारी करते हैं ना वो काफ़ी काम आ जाएगा इसमें, बस थोड़ा सा आपको बिहार का पढ़ना पड़ेगा अलग से। जो आपका गंगाटेक रिवर डॉल्फिन है वो फ्रेश वाटर में रहता है, साफ मतलब जो होता है ना मीठे पानी में। अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको इस विधि को हम कहते हैं इको लोकेशन। इको के जरिए आप अपने शिकार को लोकेट कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है सर? पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। जिस तरह से यूपीएससी और बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसी तरह से इसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, मगर इसमें ऑप्शन केवल 4 होते हैं। आपको 4 विषय में से अपना ऑप्शनल चुनना होगा, ठीक है? हाँ, यूपी के लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस अंतर यह है कि जो रिजर्वेशन है वो बिहार के लोगों को मिलेगा, जो बाकी राज्य के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉर्म भरते हैं यूपीपीएससी का और आप बिहार के एस्पिरेंट हैं, तो बिहार वाले यूपी में जाकर के जनरल की तरह फाइट करेंगे, इनको नहीं मिलेगा आरक्षण। और जो यूपी के जो लोग हैं उनको मिलेगा आरक्षण वहाँ पर। सेम बिहार का, अगर आप बीपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो बिहार के लोगों को मिलेगा आरक्षण, और बाकी जो राज्य के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। अभी फॉर्म निकला हुआ है झारखंड का, जेपीएससी का भी, इसको भी भर सकते हैं आप। मगर जेपीएससी में बात यह है कि एक पेपर इनका पूरा झारखंड का होता है, सभी राज्य में होता है। हाँ, अगर आप फॉर्म भरते हैं महाराष्ट्र पीसीएस का, एमपीएससी का, तो वहां पर भी यही है। जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको उनके राज्य में प्रायोरिटी मिलती है, उनको मिलता है रिजर्वेशन, और बाकी जो राज्य के लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं मगर वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। समझ गए बात? सभी राज्य में है, एक राज्य में नहीं है ऐसा, ठीक है ना? हाँ, सब राज्य में होता है, वेस्ट बंगाल में, एमपी में, उड़ीसा में, सब में यही होता है, यही प्रोविजन है, ठीक है? एक्चुअली बात क्या है ना कि अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो आप बिहार में सर्व करेंगे, तो आपको बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी ना, तो जो बिहार में रह रहा है उनको ज़्यादा पता है बिहार के समस्याओं के बारे में, इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है, इसीलिए उनको मिलता है मेन यहाँ पर, ठीक है? आंध्रा तेलंगाना में दूसरे राज्य वाले नहीं भर सकते? लो, वहाँ तो भर ही नहीं सकते, ये बता रहे हैं ये राखी। बाकी में कम से कम भर तो सकते हो, बीपीएससी तुम अप्लाई तो कर सकते हो बाकी राज्य वाले, ठीक है? हाँ, ये हो गया। इसके बारे में एक बात और, जो आपका डॉल्फिन होता है इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है कि हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है? गंगाटिक डॉल्फिन है, ठीक है? क्लियर बात? डॉल्फिन कई तरह के होते हैं, एक होता है गंगाटिक डॉल्फिन, एक होता है आपका इरावडी डॉल्फिन। क्या होता है इरावडी? नदी कहां पर है जी, बताना जरा, कहां सुने हो ये वाला नाम? म्यांमार में, बिल्कुल। तो ये जो इरावडी डॉल्फिन है ना ये खारे पानी में रह सकती है, ये खारे पानी में रह सकती है। गंगेटिक वाला साफ पानी, मीठे पानी की मछली, मतलब मछली नहीं है ये, मैमल में आता है, मैमल में आता है ना डॉल्फिन। हाँ चलो, हो गई बात। तो पहला सही है, दूसरा सही है आपका सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलो, एक सवाल करना एपेक के बारे में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में सवाल है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर पैसिफिक रिम मेंबर इकोनॉमी डैट प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। क्या ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है? दूसरा, क्या ये हाईएस्ट लेवल का मल्टीलेटरल ब्लॉक है और सबसे पुराना फोरम है एशिया पैसिफिक रीजन में? चाइना, रशिया एंड इंडिया क्या इसके सदस्य हैं?
ध्यान से बताना क्या आंसर है इसका, एशिया पैसिफिक जो आपका कॉपरेशन है उसके बारे में, एपेक के बारे में। ठीक है। मैप से काम हो गया। एक काम और करना, जो टारगेट वाले वीडियो है उसको प्रमोट कीजिएगा, शिफ्ट करेंगे उस तरफ, यूट्यूब तरफ अब धीरे धीरे। चाइना नहीं है मेंबर। सामने तो देख लो, एक आया था ना वो वीडियो छोटे बच्चे वाला, पीछे तो देखो। तो चाइना तो है ही, सामने दिख रहा है ना। इंडिया नहीं है मेंबर, इंडिया मेंबर जो है वो नहीं है, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि हम मेंबर बनना चाहते हैं। रशिया तो है और चाइना भी है, तो रशिया है, चाइना है, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है, इंडिया नहीं है मेंबर, तो तीसरा गलत हो गया। तो तीन 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 सन्नाटा करो, पहला आपका सही है, ए वन एंड टू ओनली, ठीक है ना। तो केवल पहला और दूसरा सही है, वैसे भी सेकंड आपका काफ़ी ब्रॉड स्टेटमेंट है, पहला आपका काफ़ी ब्रॉड स्टेटमेंट है, आप आराम से इसको सही कर सकते थे। चलो, इसमें 21 कंट्री जो पैसिफिक रिम में पाए जाते हैं वो इसके मेंबर हैं, इंडिया नहीं है, मैंने बताया आपको, मगर इसको सपोर्ट मिला है यूएस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और पीएनजी से, पापुआ न्यू गिनी। ये एक ऐसा कंट्री है जो वहाँ पर भाषा की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है? भाषा की डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगला, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसके बारे में तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का। क्या है? ये एक यूएन की एजेंसी है, ये चाहता है कि हम पॉवर्टी और हंगर ख़त्म कर दें डेवलपिंग कंट्री में से। ये सस्ते दर पर आपको लोन प्रोवाइड करता है और जो ग्रांट है वो प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के लिए। तो तीनों बातें यहाँ पर सही है, डी आपका करेक्ट आंसर है। बस ध्यान देना, IFAD ये यूएन का पार्ट है। किसका है? यूएन का सदस्य है, यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। क्लियर बात? चलो, अब आते हैं हम लोग सवाल अपने हिस्ट्री पर। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से सवाल कीजिएगा। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक खत्म। मध्यकालीन भारत में भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति परंपरा के बारे में सवाल पूछा गया है। क्या भक्ति परंपरा विभाजित है सगुण और निर्गुण में? क्या सगुण में फॉर्मर, क्या सगुण फोकस करता है वर्शिप ऑफ एन अबस्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड एंड निर्गुण फोकस ऑन वर्शिप ऑफ अ स्पेसिफिक डेटी? ठीक है ना, फॉर्मर मतलब पूर्व, मतलब फॉर्मर मतलब ये होता है सगुण, और ये बाद वाला जो है वो निर्गुण है। हिंदी थोड़ा सा देख लेना, समझ जाना क्या है। वैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है क्या होता है सगुण, क्या होता है निर्गुण। निर्गुण जो होता है वो एक फॉर्मलेस गॉड की पूजा करते हैं, फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं, मतलब कि ऐसा भगवान, ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। रुकना सर। बहुत फॉर्मल है, पता है, क्लास चल रही है।
सॉरी फॉर द डिले. चलो ध्यान से देखना है यहाँ पे. यहाँ पर हमारे जो हिंदू कल्चर है वहाँ पर गॉड दो तरह का होता है. एक होता है सगुन, एक होता है निर्गुण. सगुण का मतलब ये होता है वैसा ईश्वर जिसके पास फॉर्म हो. फॉर्म क्रिकेट वाला नहीं कि बैट्समैन फॉर्म में है. फॉर्म का मतलब ये होता है कि उनके पास एट्रीब्यूट है. क्या है एट्रीब्यूट? है उसमें गुण है. गुण का मतलब कि वो मेल है कि फीमेल है, है ना? मतलब कि वो किस तरह का है, मतलब कि उनका नाम क्या है, उनका नाम, ठीक है ना? उनके अलग अलग चीजें जैसे कि राम है, कृष्ण है, इन सब का नाम है, इन सब का गुण अलग अलग है, इनमें कलाएं अलग अलग हैं. कहते हैं ना कि राम में इतनी कलाएं हैं, कृष्ण में इतनी कलाएं हैं, ये सब चीज़ें. तो हमारा जो सगुण होता है उसमें जो ईश्वर होता है उसका एक रूप होता है. इसको हम देख सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है ना? जो निर्गुण होता है इसका कोई रूप नहीं होता, फॉर्मलेस होता है. जैसे कि आपने देखा होगा शिव को कई बार निरूपित किया जाता है ओम के रूप में, या फिर देखा होगा ना कि एक ऐसा कुछ ज्योति जल रहा होता है, कैंडल का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो, है ना, पैर बना हुआ है और ऊपर में जल रहा है, तो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है कि नाक लंबा है, कान छोटा है, काला है, गोरा है, ये सब नहीं है. तो निर्गुण ईश्वर जो होता है वो फॉर्मलेस होता है, ठीक बात? निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई गुण नहीं है. निर्गुण का मतलब ये है कि इसमें सभी गुण हैं. क्या हैं? इसमें सभी गुण हैं. क्या हैं? इसमें सारे के सारे गुण हैं. हाँ, सगुण में गुण हैं मगर निर्गुण से कुछ कम गुण हैं, इसीलिए आप उसको पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. अब सुनो ध्यान से, तुलसी जो हैं वो सगुण रूप की पूजा करते हैं राम की. कबीर जो हैं वो निर्गुण रूप की पूजा करते हैं हमारे. देखो कबीर भले ही उसको राम नाम से संबोधित करते हैं मगर उनका जो ईश्वर है वो निर्गुण है. जो हिंदी साहित्य के होंगे उनको ये सब बातें पता होंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा उनको. ऐसे जीएस के लिए हमको इतना जानना काफ़ी है. क्लियर बात है? ठीक है. तो यहाँ पर पहला सही है, भक्ति ट्रेडिशन ऑफन क्लासिफाइड इंटू सगुण एंड निर्गुण. ओके, जो आपका दूसरा है वो आपका इंटरचेंज कर दिया गया है. जो अब्स्ट्रैक्ट गॉड है वो निर्गुण वाला है और जो डेटी है, देवी देवताएं हैं, वो सगुण वाला है. तो दूसरा सन्नाटा हो गया, पहला सही है. वन ओनली इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? हाँ, गुणातीत कहते हैं इसको. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. लड़का सन्नाटे में रहता है, अचानक से आता है निकल के. चलो ये बातें हो गई. जो आपका क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री है ना, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू, उसका पेज नंबर 143, उससे आपको ये सवाल दिया गया है. क्लास ट्वेल्थ का जो हिस्ट्री है वो तीन भागों में है, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री. पार्ट वन डील करता है एंशियंट इंडिया से, पार्ट टू डील करता है मिडिएवल इंडिया से, और पार्ट थ्री डील करता है मॉडर्न इंडिया से. ठीक है सर, हिंदी कब पढ़ेंगे? जब बायोलॉजी खत्म कर लेंगे, जब पॉलिटी खत्म होने वाली है, लक्ष्मी खत्म होने वाला है ना. नहीं, लक्ष्मी मतलब किताब, लक्ष्मी नहीं, तो लक्ष्मीकांत खत्म होने वाला है और जो बायोलॉजी है उसका चार चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा. तो आगे हम लोग जो अपना ज्योग्राफी है 11th 12th का वो चलाएंगे और बाकी अपना जो हिस्ट्री वगैरह है ना, स्पेक्ट्रम, उसको कवर करेंगे. ठीक है, निश्चिंत रहिए. डेली आपको जितना दिया जाता है टारगेट उसको पूरा करते जाओ. ठीक है बात, आपको आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा. रिवाइज भी तो करवा रहे हैं ना. अगर रिवाइज में नहीं करा रहा होता सैटरडे और संडे को तो मेरा पहले ही खत्म हो गया होता. सोचो ना, सप्ताह में हम लोग 5 ही दिन तो नया चीज़ पढ़ते हैं, बाकी 2 दिन हम रिवाइज करते हैं. सबसे मेन ये रिवीजन है. पढ़ा हुआ आप एग्जाम में सॉल्व ना कर पाए, इससे खराब बात क्या होगी? ठीक है,
चलो अगला सवाल, इनमें से कौन कारक थे सिविल रेबिलियन का ब्रिटिश काल के दौरान? सिविल रेबिलियन का क्या कारण था ब्रिटिश काल के दौरान, बताना है आपको ध्यान से। फॉरेन करेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, न्यू कोर्ट्स एंड लीगल सिस्टम, रूइनिंग ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंसाइटमेंट ऑफ मासेस बाय द स्कॉलरी एंड प्रिस्टली क्लासेस। ओके, हाई आई एम टारगेटिंग फॉर 2022 अर्पित तिवारी। तो क्या समस्या है, अच्छी बात है आपके पास समय है 2022 तक के लिए। अरे हिंदी उत्थान नहीं है, ठीक है ना। इंसाइटमेंट का मतलब होता है भड़काना, जनता को भड़काना, ठीक है। हाँ, अरे क्या सोच के आंसर दिए हो, 42% लोगों ने ए लगाया है, क्यों? तो थान क्या, तुम हिंदी वाला अंग्रेजों नहीं देख सकते थे कि इंसाइटमेंट लिखा हुआ है? उत्थान के चक्कर में गलत हो गया, ठीक है। बी नहीं है, डी है, चारों यहां पर सही है, डी आंसर है, बी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, ब्रिटिश रूल का फॉरेन करेक्टर मतलब कि ब्रिटिश ने कभी हमको अपना नहीं समझा, जैसे कि जिस तरह से ब्रिटिश साउथ अफ्रीका में जाकर बस गए, उस तरह से ब्रिटिश इंडिया में आकर के नहीं बसे, इसको उन्होंने अपना अपना कंट्री कभी नहीं माना। जैसे कि मुगल, मुगल की सबसे खास बात यह थी कि मुगल यहां पर शासन करने नहीं आए थे, मुगल यहां पर आए, यहां पर घुल मिल गए, वो यहीं के हो गए, यही उनकी मातृभूमि थी, यही उनका देश था। तो हम लोग जो कहते हैं कि मुगल विदेशी थे, वो फॉरनर थे, हाँ वो आए थे बाहर से ही, वैसे हम लोग तो बाहर से ही आए हैं, जो आर्यंस हैं वो बाहर से ही आए हैं, हम लोग भारत देश के हम लोग मूल तो नहीं हैं। जब आप एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे ना, क्लास 11th की या 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, तो वहां पर आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि आर्यन थ्योरी क्या है, किस तरह से आर्यन बाहर से आए हड़प्पा वगैरह के बाद, ठीक है ना। हाँ, द्रविड़ लोग जो नीचे वाले हैं वो लोग मूल हैं यहाँ के, ठीक है। हाँ, जहाँ पर मोदी जी गए हैं और कहा है कि ये मेरा सौभाग्य, मतलब कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम तमिल नहीं सीख पाए, इससे पहले कभी उनको दुर्भाग्य का नज़र नहीं आया वो एक्चुअली गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के पहले एक और प्रधानमंत्री हुआ करते थे देवगौड़ा जी हैं, मतलब शायद उनका मतलब या कुछ और थे वो एक्चुअली सीएम से पीएम बने थे, तो कहते हैं कि वो उस राज्य के पीएम थे, बाकी देश से उनको मतलब नहीं था। वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर विकास मेनली वहीं पे हो रहा है, और तो मुझे कहीं दिखता नहीं, ठीक है। चलो बिहार में ना कराओ, कम से कम यूपी में ही करा दो विकास क्या कहें, वोट दिया था, दुख होता है तो आपका पहला जो है वो सही है। दूसरा, न्यू कोर्ट्स लीगल सिस्टम, ये भी एक शोषण का साधन बन गया। पहले जो आपका जुडिशियल जो सिस्टम था वो सस्ता था, ध्यान सुनिएगा, न्याय का पहला जो आपका इंस्टीट्यूशन था ना वो सस्ता था, वहां पर आपको पैसे खर्च बहुत कम होते थे। अब जो ब्रिटिश सिस्टम आया, यहां पर लॉज कॉम्प्लेक्स हो गए, ध्यान सुनिएगा, कानून पहले भी था, कानून बाद में अभी आया, ब्रिटिश के बाद भी आया, ब्रिटिश वाला कानून कॉम्प्लेक्स उतना नहीं था, मतलब कि जो होता है ना एक सबके लिए एक समान रूल ऑफ लॉ, मगर वहां पर आपको वकील की जरूरत पड़ती थी, आसान भाषा में कानून को नहीं लिखा गया था, ठीक है।
तो चूंकि आपको लॉयर की जरूरत पड़ रही है, इसी कारण से न्याय महंगा हो गया। आपने देखा होगा कि आजादी की जो लड़ाई लड़ रही थी ना, सब लोग वकील थे। जिस तरह से अभी से 2-3 साल पहले सब लोग इंजीनियर थे, उसी तरह से पहले वकील हुआ करते थे। गांधी जी वकील, नेहरू जी वकील, जितने भी लोग आप देखेंगे अधिकांश वकील, ठीक है ना। कुछ लोग जो वकील नहीं हैं वो अमीर आदमी थे। नेहरू जी तक, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, इतने अमीर आदमी इलाहाबाद के, उन्होंने भी वकालत करना समझा ज़्यादा ज़रूरी, लगा कि हाँ इससे ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, ठीक है ना। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप नहीं पढ़ पाते, अगर आप YouTube देखते हैं तो YouTube पर भी जाकर सर्च करना नमक का दरोगा। पहले DD1 पे आता था प्रेमचंद की कहानियों का रूपांतरण, तो देखिएगा इसको नमक का दरोगा, बहुत अच्छी कहानी है। यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आप ईमानदार हैं तो वो ईमानदारी कहीं जाती नहीं है, एक समय के बाद आपको ही फायदा पहुंचाती है। तहरीर, हाँ, ये जो एपिसोड है ना प्रेमचंद की तहरीर, जैसे कि उस सीरियल का नाम है जहाँ पर आता था, उसका जो इंट्रो म्यूजिक है, इतना बढ़िया म्यूजिक है, आप आँख मूंद के सुनना, बहुत ही अच्छा लगेगा। जब मैं छोटा था तो आता था वो, तो बचपन का कह सकते हैं, शक्तिमान जूनियर जी, कैप्टन व्योम और ये प्रेमचंद वाला, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका चारों जो है वो सही आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने बताया ना आपको, वो वाला करना है जो मैंने बताया था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाकर के, अमेरिकन रिवोल्यूशन जब यूट्यूब पर सर्च कीजिए। इस तरह से जो भी टॉपिक GS1 के सिलेबस में लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसको सर्च कीजिए। पहले इसका जाकर वीडियो देख लो, फिर जो विजन का PDF है ना वो पढ़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री का, बस उतना ही करना है उसके लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से इस साल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ना, वो भी इस तरह का था कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है उतना। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ के नहीं जाएंगे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे, मगर वही टॉपिक पढ़ेंगे जो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशनड है। कुछ अलग से आप तैयारी नहीं करेंगे बैठ करके इतना सारा ढेर सारा, नहीं, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह के बारे में सवाल है, ध्यान से इसको बताइएगा। क्या इसको लीड किया गया था, पंटुलू है उनके द्वारा, आंध्र प्रदेश में, क्या इन्होंने डिमांड किया अनटचेबल का एंट्री हिंदू टेम्पल में, क्या बात सही है? 1, 2 में बताना कौन सी बातें सही है, ठीक है। 1 और 2 में कौन सी बात सही है, ध्यान से बताइएगा। सर आप लिंक देने वाले, हाँ लिंक देने वाले थे, ठीक है ठीक है ठीक है, उसका लिंक दे देते हैं हम टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे उसका लिंक दे देते हैं, वरना तुम कुछ और देख लोगे वीडियो अनशन। टेलीग्राम पे जाना, जो लोग नहीं जुड़े हैं, ADSUMANT ये शब्द सर्च करना टेलीग्राम पर, जा करके ये वर्ड सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा। आपको वहाँ पर जो लिंक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स का, जो यूट्यूब पर है, आपको मिल जाएगा। एक्चुअली लेक्चर्स नहीं है वो, जो काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाया है ना इन सब टॉपिक पे, उनका है। कुछ टॉपिक UPSC के लिए हैं, कुछ लेक्चर्स, कुछ वीडियोस आपके जनरल हैं। अगले साल 2 क्वेश्चन आएगा लगता है, नहीं कोई ठीक नहीं है, कोई नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है ना, इस पर बहुत कम सवाल, अब तो सवाल ही नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आप ऐसा थोड़े है, मगर पढ़ के तो जाना पड़ेगा, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो ये बातें हैं। जो आपका वैकोम सत्याग्रह है वो शुरू हुआ था केरल में 1924 में, ध्यान से सुनना। वैकोम सत्याग्रह लिखो, VAIKOM, वैकोम सत्याग्रह 1924 केरला, क्लियर बात है। इसको लीड किया था KP केशव ने, KP केशव, KESHAVA केशव, ठीक है। हाँ,
ये जो वैकोम सत्याग्रह है ना, एक्चुअली उन्होंने पूरे देश को इम्पैक्ट किया, भले केरला में शुरू हुआ था, जैसे कि इधर साउथ में ये नेकर, ई रामास्वामी नेकर, वो प्रभावित हुए। नॉर्थ में आपका जो अकाली अकाली जनता है, जैसे कि जो अकाली समूह है, वो प्रभावित हुआ था इस सत्याग्रह से। 1924 का मोमेंट है, इस समय प्रेस अच्छा खासा डेवलप हो गया था, तो इस सत्याग्रह के कारण देश के बाकी इलाकों में भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान सुनना। हाँ, जो पुंटुलु हैं वो समाज सुधारक थे आंध्र प्रदेश के, मगर वो वैकोम से संबंधित नहीं थे। जो वीर सेरलिंगम पटलू है ना, ये वैकोम से संबंधित नहीं है, वो आंध्र प्रदेश के हैं, मगर उन्होंने इसको लीड नहीं किया था। आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। इन्होंने ये कहा कि जो हिंदू मंदिर हैं इनको सबके लिए खोल दो, सबके लिए खोल दो, चाहे वो अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, दलित हों, रोड पर भी आपको सबको चलना अलाउ रहेगा, कोई वैसा कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। आपका दो है जो सही है, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। आपको लगता होगा कि अभी जो जाति वाति है वो सब खत्म हो गया है, मगर आप आज का न्यूज़ पढ़िएगा, जिस लड़की का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था यूपी में, हाथरस, जो आपने नाम सुना था ना, हाथरस, लड़की के जो पिता हैं, लड़की के पिता की हत्या कर दी गई है कल गोली मार के, किसके द्वारा? जो एक्यूज्ड था ना, जो एक्यूज्ड था उसके द्वारा, वो बेल पर बाहर निकला हुआ था जेल से, तो उसने इसको मार दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब समाज में कैसे होती हैं, कैसे, जैसे कि दूसरे को क्या, छोड़ो अपने जिले के बताता हूँ मैं। गया, हमारे यहाँ जैसे कि हर इलाके में कुछ ना कुछ गुंडे होते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ गुंडे हैं। तो हमारे यहाँ एक व्यापारी हैं, वो व्यापारी अपना घर बना रहा था, मतलब हुआ क्या, जो ठेकेदार घर बना रहा था उससे रंगदारी मांगने गया। पता क्या होता है रंगदारी? रंगदारी मतलब होता है पैसा, सिक्योरिटी मनी कह सकते हैं उसको। तो अब नहीं दे रहा था, ठेकेदार को गोली मार दिया। ठीक है ना, तो बात ये नहीं है कि ठेकेदार गोली मारा, अब बात यह है कि जो व्यापारी है ना, व्यापारी पुलिस के पास जाने के बजाय जो क्रिमिनल है उससे बात करने गया, उससे बात करने गया, बोला कि बातचीत से समझा, मतलब सुलझा लेते हैं मामला। मतलब कि पुलिस पर आपका भरोसा नहीं है, जो पुलिस है उस पर आपको भरोसा नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी अपहरण, अजय देवगन की मूवी है, प्रकाश झा की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा कभी अगर मौका मिले तो। मुझे लगता है कि जिस तरह का उस समय था, ठीक है ना, वैसा तो उतना गंभीर नहीं है, कोई उठा नहीं ले रहा, मगर समस्या अभी भी बहुत ज़्यादा है बिहार में, बिहार का क्या कहें, यूपी में भी और इलाकों में भी। अगला सवाल आपका है गुरु नानक के बारे में, ध्यान से बताना। क्या नानक जी बिलीव नहीं करते थे हिंदुइज्म में और इस्लाम में, इसी कारण से उन्होंने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम रखा सिखिज्म? क्या उन्होंने सेक्रीफाइस को, अनुष्ठान को, बलिदान को, जो मूर्ति पूजा है, क्या उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया? तीसरा, क्या उन्होंने पांच सिंबल डिफाइन किए? अनकट हेयर, मतलब कि बाल नहीं काटते ना सिख, डैगर, शॉर्ट जो होता है ना कच्छा, कॉम्ब, कंघा और कड़ा, क्या ये पहना जाता था उनके द्वारा? ध्यान से बताना गुरु नानक जी के बारे में कौन सी बातें यहां पर सही हैं। आप जो सोच रहे हैं वो आंसर नहीं है, मगर यहां पर तो वो है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, पता चला किस दिन, पता चला अगले दिन मेरे घर आ गए। तुम भी क्या में रहते हो, तुम भी प्रोटेक्शन मनी लाओ। ठीक है,
अगर कभी वीडियो वीडियो ना आए तो समझ लेना कि प्रोडक्शन मैनेजर ने नहीं दिया था, तो समस्या हो गया है। थर्ड कैसे गलत हो गया? थर्ड गलत इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने नहीं दिया था। जो पांच सिंबल है ना, नानक जी नहीं, नानक जी चिल आदमी थे, उनको धर्म वर्म से कुछ लेना देना ही नहीं था, समझ गए? जो भी जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे कि इस्लाम में पैगंबर की पूजा करते हैं, उन्होंने धर्म वर्म उनको मतलब नहीं था। पैगंबर जो थे वो समाज से संबंध रखते थे, लोगों की भलाई हो, वैसे गुरु नानक लोगों की भलाई हो, उनका पर्पस ये नहीं था कि हम अपना धर्म बनाएंगे सिखिज्म, अपना धर्म बनाएंगे इस्लाम, कृष्ण जी ये नहीं सोचते थे कि हम अपना धर्म बनाएंगे हिंदुइज्म। धर्म बाद के लोगों ने बनाया, बुद्ध ने धर्म नहीं बनाया, बुद्ध तो अपना ज्ञान देके चले गए, बाद में लोगों ने उनकी जो ज्ञान है उसको कंपाइल किया अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, जो बौद्ध धर्म है वो चला दिया, जैन धर्म वो चला दिया। बुद्ध क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त हुआ जा करके जगह जगह पर अपना जो प्रवचन है वो देते थे, लोगों में जो ज्ञान है वो फैलाते थे, संघ बनाया ताकि आप वहाँ पर जा सकें, वहाँ पर जा करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये थोड़े है कि संघ में केवल बुद्धिस्ट ही आएंगे, नहीं, संघ पर कुछ सामाजिक बंधन थे कि महिलाओं की एंट्री नहीं हो सकती, अगर कोई गुलाम, जैसे कि अगर कोई सेवक आ रहा है तो अपने मालिक की जैसे अनुमति लेकर के आएगा, मगर कोई भी आ सकता था। तो जो धर्म बनाने का जो काम है ना, वो बाद में उनके फॉलोअर ने किया कि चलो उनके नाम पर हम ये कर देते हैं, हमारा अपना एक वो ठेकेदारी हो जाएगा धर्म का, ठीक है। तो ये पहला गलत है, ये नहीं कि वो अपना एक अलग धर्म बना के गए, नहीं, क्लियर बात। ये जो पांच सिंबल हैं वो गुरु गोविंद सिंह ने यहां पर दिया आपको, किन्होंने, गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो आपका तीसरा जो है वो सही है, सॉरी गलत ना हो गया वाला, ये आपका नानक नहीं है, गलत है। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, पहला तीसरा तीसरा, क्या बच गया आपका, बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही दीपशिखा, गोविंद जी ने दिया था, ठीक है। बुद्ध को पता था हमने मेहनत से बनाया और अगर फीमेल आया, अरे नहीं, उस समय का समाज इस तरह का था ना कि महिलाओं को इंडिपेंडेंस उतना ज़्यादा प्राप्त नहीं था समाज में, तो ये मेन समस्या थी। वैदिक जो आपका रिलीजन था, वैदिक जो आपका धर्म था, उससे त्रस्त होकर के ये जो धर्म है वो बनाए गए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है ना। पहला सही गलत है, दूसरा आपका सही है। जो सेक्रीफाइस है इसको उन्होंने दरकिनार किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। जो इमेज वर्शिप है, इमेज वर, तुम सोचो गुरु गोविंद सिंह ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मगर हम लोग नानक जी की ही मूर्ति बना देते हैं, जो पोस्टर है बना देते हैं। अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग किंगडम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर कंक्वेस्ट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले किसको जीता, बाद में किसको जीता, बंगाल, मराठा, मैसूर, पंजाब, ध्यान से बताना। हाँ, ध्यान बताइए क्या आंसर है इसका। खालसा पंथ, खालसा जो है ना वो मिलिटराइज किया गया था सिखों को, क्यों सर, क्योंकि जो मुगल थे उनसे उनको थ्रेट था। खालसा किन्होंने शुरू किया था बताना जरा, दीपशिखा पूछ रही हैं, खालसा पंथ किन्होंने शुरू किया था, गोविंद जी, पक्का, एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो, सबसे काम के बाद बता रहा हूं मैं। जब भी आपको कोई डिमोटिवेशन हो, जब भी आपको पढ़ने का मन ना कर रहा हो, ठीक है ना,
तो एक बात ध्यान देना, सबसे पहली बात अपने रूम के में डेट लिख लो, 27 को है ना प्रिलिम्स, इसका डेट लिख लो, ठीक है, और मार्क्स लिख लो कि 120 प्लस मुझे स्कोर करना है। अभी भले ही आपके मार्क्स अभी कम आ रहे हों, मगर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। जो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इम्प्रूवमेंट, मार्क्स कम ही आ रहे हैं, तो समस्या की बात है, ठीक है। और सोचना कि अगर मैं पास हो गया तो जो ज़िंदगी है किस तरह से बदल जाएगी, या फिर एक काम करना, YouTube खोलना और देखना IAS मोटिवेशन, ऐसा करके सर्च करना, आपको कई सारे वीडियोस मिलते हैं। लिखना IAS एंट्री, दिखाएगा तुम्हें कि IAS किस तरह से एंट्री कर रहा है, किस तरह से चलता है, किस तरह से रहता है, क्या वैल्यू होती है उसकी। ये वीडियो देख करके तुमको जोश आएगा मन में कि आप चला पढ़ेंगे, प्लस थोड़ा सा दुख भी वगैरह में टाइम वेस्ट कर दिया इतना सारा फालतू में, ठीक है। सर आपसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? मेरे से ज़्यादा मारने वाला और भी वो भी कोई नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो हम घर के ठोक देंगे, समझ गए। हमको मोटिवेशन देना नहीं आता कि हाँ बेटा ये है वो है तुम ये कर लोगे, हम देते हैं तुरंत आता है मोटिवेशन, ठीक है ना। हाँ, और क्या, तुमको कितना देगा मोटिवेशन? अरे तुम्हारा काम है पढ़ना, पास होना तुम्हारा काम है, नहीं तो क्या करोगे? तुम्हारे पास और कोई हुनर है? तुम्हारे पास और कोई स्किल है? झाड़ू तुम मारोगे नहीं, और कोई काम तुम करोगे नहीं, फोन तुम रिपेयर कर नहीं सकते, तुमसे घर का बॉल तक चेंज नहीं होता है कि नहीं, बर्तन तुम मांजोगे नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा ना। पढ़ो, सबसे आसान काम है पढ़ना। वो जो बोलते हैं ना कि पढ़ना मुश्किल काम है, वो मन मन बोल देते हैं, इससे आसान काम नहीं है जी। बाकी काम तुम करोगे ना घुटने सांसों गिरेंगे, देख लेना। पढ़ना उसके लिए मुश्किल काम है जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, पढ़ना उनके लिए मुश्किल है जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी। आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, आपको सभी कुछ सुविधाएं मिली हैं, आपको क्या चाहिए, क्या जरूरत है, आपको क्या नहीं मिला आपको? गौ पालेंगे, गाय में बहुत ज़्यादा मेहनत है, पता नहीं है आपको? जाओ मेरे घर में देखो, आगे दो गाय हैं, अभी जो गिलास खाली किया वो गाय का ही चाय था, दूध का चाय था, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सबको उन्होंने कब्जा कर लिया। पहले जो आपका प्लासी का युद्ध था वो लड़ा, वो सिंबॉलिक था, मगर जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर में उन्होंने 3 कंबाइंड आर्मी को हराया, ठीक है। एक तो कासिम था, एक मुगल थे, और एक अवध का, अवध वाला तो पता नहीं क्यों शामिल हुआ, हमको समझ में नहीं आया, उसको क्या जरूरत था, उसका तो मतलब ही नहीं था कुछ। शाहल क्या था, शाहलम था क्या, सुजा शाहरम तो मुगल का था, इधर सुजात वाला था। हाँ, तो ध्यान सुनना, उसको जरूरत ही नहीं था, है ना, जो कहते हैं ना उड़ता हुआ तीर बेचारा। देखो कासिम का तो समस्या था कि कासिम को हटाकर जाफर को बिठा दिया दोबारा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये बातें हैं। जो आपका श्रीरंगपट्टम है, जो आपका एंग्लो मैसूर वार है, उसको जीत करके उन्होंने जो मैसूर है उसको मिला लिया, टीपू को हटा करके वहाँ पर जो पुराना वाला वडियार था ना, उनको उन्होंने बिठा दिया गद्दी पर, ठीक है, मैसूर कब्जा कर लिया। फिर अलग अलग बैटल के जरिए जो मराठा हैं उनको हराया। देखो मुगल को विस्थापित करने का जो पावर था, मुगल को मतलब कि हटा करके भारत पर चलाने का, शासन करने का जो पावर था, वो केवल मराठा में ही था, मगर मराठा यूनाइटेड नहीं थे, मुगल हमेशा यूनाइटेड थे, ठीक है। मगर यहाँ पर यही समस्या है कि अगर आप एक नहीं रहे, अच्छा मराठा में एक खराबी ये थी ना कि वो जो भी एरिया जीतते थे
वो एरिया को अपना नहीं मानते थे, वहां से वो केवल जो सरदेशमुखी है और क्या था जी चौथ वसूलते थे, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उतना इफेक्टिव नहीं दिया जीते हुए एरिया पर, वो लूजली बाउंड रहा। इसी कारण से जब भी उस एरिया का मौका मिला तो वो छूट गए मराठा शासन से। तो ये उनकी मेन समस्या रही, प्लस पावर चला गया पेशवा के हाथ में, पावर चला गया पेशवा के हाथ में, ठीक है। तो ये बातें थी, हाँ ये हो गया। तो आपका जो यहां पर 1, 3, 2, 4 है वो सही है। सबसे पहले बंगाल, पहले ये गिरेगा, उसके बाद मैसूर ये गिरेगा, उसके बाद मराठा ये जाएंगे, फिर पंजाब जाएगा। पंजाब में कौन थे जो रोके हुए थे ब्रिटिश को, क्या नाम था उनका, नाम याद है? रंजीत सिंह, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, सनी, दीपशिखा, वेदा, आशीष, विशाल, संगीता, ठीक है राहुल। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले बंगाल हो गया, बंगाल, फिर आपका आ जाएगा मैसूर, फिर आपका आ जाएगा ये मराठा, फिर आपका आ जाएगा पंजाब। चलो अगला सवाल, जो गोमस्था हैं कॉलोनियल रूल के दौरान क्या थे? ध्यान से जवाब दीजिएगा। एक ऑफिसर जो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किया गया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ग्रामीण एरिया में, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू मैनेज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, इंडियन एजेंट ऑफ ब्रिटिश कंपनी टू सुपरवाइज वेवर, इंडियन कस्टम ऑफिसर एट पोर्ट अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। क्लियर बात है? स्पेक्ट्रम ध्यान से पढ़िएगा, उतना ही पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है। और जो लोग सवाल पूछते हैं कि सर स्पेक्ट्रम के बाद क्या पढ़ें, पहले वो पढ़ लाना तब पूछना, ध्यान से, ठीक है ना, पढ़ के रिवाइज। इतनी मोटी किताब है यार, याद रहता नहीं है लोगों को, पूछते हैं क्या और क्या पढ़ें, ठीक है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का नाम है सुरुचि जी, स्पेक्ट्रम जो है ना वो पब्लिकेशन का नाम है, किताब है मॉडर्न इंडिया। दुकान में जाइएगा, उनको कहिएगा कि मुझे स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया किताब दे दीजिए, वो दे देगा। हाँ दिव्या, स्पेक्ट्रम टारगेट में आएगा, ध्यान सुनना। राजीव अहिर राइटर का नाम है जो कंपाइल किए हैं ना, ध्यान सुनिएगा। डेली टारगेट में आपको प्रिलिम्स का और मेंस का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करना। अगर आप केवल इसके भरोसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल फॉलो करते जाए। देखो तुम्हारा काम केवल इतना है कि जो दिया जाए उसको पढ़ लो। टारगेट का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, मुझे कुछ नहीं, मैं बस लिख देता हूं कि यहां से ये पढ़ लो, यहां से ये पढ़ लो, पढ़ना मुश्किल है। तुमको मैंने चैप्टर दिया है 2-3 पॉलिटी का, वो पढ़ना है, इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ना है एक, मुश्किल होता है दिन भर में 2 किताब पढ़ लेना, आंसर भी लिख लेना, करंट अफेयर भी कर लेना। अगर कर ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, शानदार, कॉन्फिडेंट रहो। अगर ढंग से कर ले रहे हो और मॉक टेस्ट सॉल्व करते जा रहे हो तो कोई तुमको रोकेगा नहीं, कोई नहीं करता यार। दिल्ली में कोचिंग जो है लाख लाख रुपए वाली, वहां भी इतना भी नहीं कराते। खुद से पढ़ना सबसे अच्छा चीज है, उससे बढ़िया कुछ है नहीं। इकोनॉमी कब शुरू करेंगे, जो पहले शुरू किया है वो तो खत्म कर लो। हाँ हम पढ़ते हैं, डेली कमेंट भी करते हैं, हाँ हम देखते भी हैं कमेंट, हर कमेंट देखते हैं उस पर जॉब करते हैं यूट्यूब पे, टारगेट वाले वीडियो पे। ठीक है सर, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है खुद से रीडिंग का, एकदम दिखेगा आपको, जो सेटिस्फैक्शन है ना अंदर से वो मिलेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ अचीव किया है। चलो ठीक है, हाँ तो जो गोमस्था थे ना वो पेड सर्वेंट थे। क्लियर बात है, ध्यान सुनना। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको अपॉइंट करता था, जो वीवर्स हैं, जो जुलाहे हैं, बुनकर हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए, उन पर डायरेक्ट कंट्रोल लाने के लिए।
किन पर? वीवर्स जुलाहों पर। क्लियर बात है? हाँ, ये जो गोमस्था थे वो जुलाहों को सुपरवाइज किया करते थे, उनसे सप्लाई इकट्ठा। आपको पता है ना कि पहले यहाँ से जो कपड़ा है वो भेजा जाता था ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब वहाँ पर पूरा गति नहीं लिया था ब्रिटेन में, तो यहाँ से भेजते थे हम लोग। हमारा जो हाई क्वालिटी कपड़ा है वो पूरे यूरोप में पसंद किया जाता था, ठीक है ना। जैसे कि इधर का मसलिन हो गया, पता है क्या होता है मसलिन? बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। तो जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है कपड़े का, वो ब्रिटिश के हाथ में आ गया इस ऑफिसर के जरिए, गोमस्थास के जरिए। करते क्या थे ब्रिटिश? कंपटीशन ख़त्म करते थे। जैसे कि रॉ मटेरियल है उसको ले लिया उन्होंने, ठीक है ना। जो कॉटन का और जो सिल्क का सप्लाई है वो वहाँ के इंडस्ट्री को मिलता रहे, वो ये मेन चीज़ ध्यान में रखते थे। हाँ, तो आपका क्या आंसर हो गया? ये जुलाहों को सुपरवाइज करने के लिए था, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अशोक दलवाई कमेटी, ये बहुत ही फेमस कमेटी है। ये कमेटी संबंधित है किस से, जरा बताना मुझे। सर जी, आई एम रीडिंग अ स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री अलॉन्ग विथ फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यू डू नॉट नीड टू सी फ्री कंटेंट ऑन द यूट्यूब। किताब किताब काफ़ी है, किताब सफिशियंट है वो जो आप पढ़ रहे हैं। उसके नोट्स बनाकर, नहीं नहीं नोट्स नहीं बनाना चाचा। स्पेक्ट्रम तुम पढ़ रहे हो ना, ये काफ़ी है। यूट्यूब वाले वीडियो जरूरी नहीं है, नोट्स जरूरी नहीं है। स्पेक्ट्रम आप पढ़िए, उसी में अंडरलाइन हाईलाइट जो करना है कीजिए। ये किताब आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। हाँ, आप लिख लिख कर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लिख लिख कर पढ़ सकते हैं। अच्छा, काम करना, मैंने एक प्लान सोचा था परसों, मैंने परसों सोचा था कि ना कि क्या करेंगे, जो विजन का मैगजीन है क्यों ना आपके साथ पढ़ा जाए। मतलब कि घंटा भर बैठेंगे आपके साथ, स्क्रीन शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। वैसे ही लिख लिख कर कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपने घर से पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट बनाना है, कौन से शब्द लिखने हैं नोट्स में। हाँ, अगर जान जाओ एक समय के बाद तो सब समझ में आती है। देखते हैं इसको, आज करें क्या? आज करते हैं, कितने बजे करें बताओ, टाइम बताओ। नहीं नहीं शाम में नहीं, रात में करें क्या? तुम जैसा बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आठ बजे पक्का? रात में आठ बजे, ठीक है ना। 10 बजे तो यूट्यूब पे चलता है ना वो क्लास, वो अलग है। आठ बजे खाना बनाना होता है सर। क्या करें अब। 9 बजे, हाँ खाना बनाना होता है, तो समझ नहीं रहे, समस्या गंभीर है उसकी। खाने से इंपॉर्टेंट कुछ है, खाओगे तब ना पढ़ोगे आगे। चलो, पहला है आपका डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022। आपका ए जो है वो सही है। जो अशोक दलवाई कमेटी है ना, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि फार्मर का इनकम डबल कैसे करें, ठीक है। अब ध्यान से मुझे बताना, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि चाचा ये बताओ, फार्मर का इनकम डबल करने के लिए आप क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे, क्या क्या सॉल्यूशंस देंगे, बताना जरा। बोलना शुरू करो, पॉइंट देना। बहुत अच्छे। इनपुट सब्सिडी दी जाए, सुमन ने कहा। सब्सिडाइज फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथन FPI, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। वाह, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ओपन मार्केट सिस्टम, गुड क्वालिटी सीड्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया, लो इंटरेस्ट रेट,
ठीक है, बढ़िया है। एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर ब्रॉड पॉइंट है, थोड़ा सा प्रिसाइज करो इसको। फूड प्रोसेसिंग हाँ हो गया। ट्रांसपोर्टेशन रिफॉर्म बहुत बढ़िया। क्वालिटी सीड्स बहुत अच्छे। एमएसपी को इंक्रीज़ करना है, वैल्यूएशन करना है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, इंक्रीज एमएसपी, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, इरिगेशन सिस्टम। हमारे यहाँ बच्चे होते हैं छोटे वाले, आपको पता है कि घर में खूंटी होती है, दीवार पे एक कील गाड़ी हुई होती है, खूंटी कहते हैं हम लोग उसको। तो बच्चा बदमाशी करता है ना, उसको जाकर इसमें टांग देते हैं, ठीक है। हाँ, तुमको जब मैंने इकोनॉमी पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, सीधा सोचो, एकदम सीधा सोचना है। क्या करना है, एकदम सीधा सोचना है। सीधा का मतलब क्या, अगर हम लोग बुआई से लेकर के कटाई तक होते हुए मार्केटिंग मार्केटिंग तक का समस्या अगर ठीक कर देंगे तो क्या मज़ा नहीं आएगा। ध्यान सुनिएगा, आपका आंसर कितना ऑर्गेनाइज्ड है आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपके पॉइंट पर केवल नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट के साथ साथ वो ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए। देखो, मान लो कि आपने 5 पॉइंट अपने आंसर में लिखा, ये पांचों पॉइंट आपने रैंडम लिखा, मतलब कि पहले आपने कटाई लिख दिया, फिर आपने यहाँ पर बुआई लिख दी, है ना। इसी 5 पॉइंट को अगर आप ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, मतलब पहले बुआई, फिर कटाई, फिर मार्केटिंग का रिफॉर्म, तो सेम पॉइंट के लिए आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो बुआई के समय में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन पर सब्सिडी मिलने चाहिए, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी आनी चाहिए, है ना। बुआई कर दिया, पटवन कर दिया, जो फर्टिलाइज़र हैं उस पर सब्सिडी होनी चाहिए, जो यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया का प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है। जो नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए बुआई में और फसलों के पालन में। जब कटाई हो तो फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए। क्या किया जाए, फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए। अगर हर किसान मशीन नहीं खरीद सकता तो क्यों ना हम एक ग्रुप बना दें। गांव में एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेता है तो बाकी व्यक्ति का काम हो जाता है, उससे उसको पैसे पे करते हैं कि हम एक कट्ठे में इतना रुपया देंगे आपको जुताई करने का, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। भले ही ट्रैक्टर उसके पास ना हो, काम तो हो गया, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हर गांव में कम से कम कुछ मशीनें उपलब्ध करा दें कि गांव का काम हो जाए। जैसे कि हमारे यहाँ अभी, जैसे कि मेरा खेत है ना, मेरे पास हार्वेस्टर नहीं है, मगर मेरे यहाँ जब गेहूँ लगता है तो हार्वेस्टर बिहार, जैसे कि यहाँ गया में, गांव-गांव में घूमता है। जिनको कटानी होती है गेहूँ, वो पैसे पे करके कटवा लेते हैं उससे, हार्वेस्टर से, और जो बाकी मशीनें होती हैं ना उसका यूज़ करवा लेते हैं पैसे पे करके, क्योंकि एक किसान उतना बड़ा मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर पैसा तो अफोर्ड कर सकता है जो हम लोग उसको देते हैं रेंट, मतलब जो उसको देते हैं मजदूरी, उसका भी पैसा वसूल हो गया मशीन का, गाँव जगह काट रहा है, और गाँव हमारे नज़दीक नज़दीक है, एक गांव यहाँ, फिर गांव यहाँ, फिर गांव यहाँ, घूम गया तो पूरा उसका पैसा वसूल हो गया, एक तरह से अच्छा खासा कमा लिया उसने भी, है ना। तो इसको प्रमोट करना चाहिए, नहीं करेंगे तो किसान खुद करेगा। तो यहाँ पर अगला मार्केटिंग है, मार्केटिंग रिफॉर्म लाओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मार्केट में इतना ऑप्शन किसान को दे दो कि उसको एक पर डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है, क्लियर बात। तो आपका यहाँ पर ये है, आप इन सभी पॉइंट को ऑर्गेनाइज करके लिखना। मेरा सवाल पूछने का मेन पर्पस यही बताना था कि ऑर्गेनाइज करके लिखिए। आपको पॉइंट पता है सब, क्या करना है क्या नहीं करना है, खेती में समस्या क्या है पता है आपको, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड ये लिख देना यहाँ पर बुआई के समय में कि वो मिलना चाहिए सस्ते दर पर, है ना, हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे आ जाओ, ये हो गया ठीक। अगला, संप्रति क्या हुआ था नेपाल के साथ, इंद्रधनुष क्या ये एक्सरसाइज हुआ था रशिया के साथ,
कौन सा गलत मैच्ड है ये बताइएगा, कौन सा गलत मैच्ड है ये बताना ध्यान से। ठीक है, हो गया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दैट्स व्हाई आई मेक नोट फ्रॉम ऑनलाइन यूट्यूब कंटेंट। तो तुम नोट बनाने में तुम टाइम ज़्यादा मत लगाना, नोट बनाओ मगर उसको तेज तेज लिख। देखो मैंने क्या बोला, तुम लिख के याद कर सकते हो, जैसे कि मैं जब पन्ने है ना वो यूज़ करता था, लिख लिख के मैं उसको पढ़ता था। ठीक है, यहां पर फायदा क्या होता है ना कि चीजें एक तो याद हो जाती हैं, दूसरा जो भी आपका जो हैंडराइटिंग है ना वो भी थोड़ा ठीक होता है। जैसे कि मैंने किया क्या था कि मैंने इस तरह का जो पेज है ना इसको मैंने प्रिंट कर लिया था, जो होता है ना फोटोकॉपी वाला पेज, इसको मैंने ले आया था और उसको मैंने प्रिंट कर लिया था, उसमें लिखता था। ठीक है, जैसे कि ये नोट्स हैं, ये जो है ना ये GS 1 2 3 4 और मेरे ऑप्शनल इसके नोट्स हैं, इतना पतला दिख रहा है, अंगुली इतना पतला भी नहीं है। ठीक है, इसमें सब नोट्स हैं, GS 1 2 3 4 सब। अब बात यह है कि इतने पतले में सर आया कैसे, और इससे मोटा होगा ना तो नेट्स का फायदा नहीं है क्योंकि वो रिवाइज करना होता है। ठीक है, किस तरह से लिखा है तुम देखो, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी मैंने इस तरह से लिख के याद किया करता था, इस तरह से। अभी दिखेगा नहीं तुमको उतना साफ साफ, मगर ज्यादातर रफ ही है। देखो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ लाल पीला हरा किया है, वो एक ही कलर से है, बस मैंने लिख लिया है उसको कागज पर। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो कितना गंदा राइटिंग में है। राइटिंग दिखेगा नहीं तुमको अभी यहां से, बस दिखा रहा हूं कि कैसे करना है काम। परफेक्शन पर मत जाना कि मैं लाल रंग से हेडिंग दूंगा, मैं काले रंग से लिखूंगा, ब्लू रंग से ये करूंगा, नहीं, चुपचाप तुम पन्ने पर लिख लिख के याद करो, वही तुम्हारा नोट्स बन जाएगा। समझ गए बात? हाँ यही करना होता है। काफी सारे लोग पेपर पढ़ते हैं, चिपकाते हैं काट काट के, वो सब काम नहीं करना है सर, हमसे तो बन क्या ही नहीं है, बनाना थोड़े है, लिख लिख के याद करो ना, क्या प्रिंट भी नहीं करना है, देखो सब सादे पन्ने पर है, ये सब क्या है, ये सब आपका सादे पन्ने पर है, कुछ नहीं करना है। करते क्या थे ना कि पेज को बीच से मोड़ देते थे, ठीक है, पेज बीच से मोड़ दिया और इसको मैंने यू कर दिया, हो गया। तो अब इस तरह से लिखो, है कि नहीं, देखो आधे में ही लिखा हुआ है ना, ये आधे में ही लिखा हुआ है ना ये वाला, ठीक है, इस तरह से लिखो। प्रिंटर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बनाओ मार्जिन, इतना यहां मोड़ो, इतना यहां मोड़ दिया और इतना यहां मोड़ दिया, क्या नहीं हो सकता? खाली बहाना चाहिए तुमको कि प्रिंटर नहीं है, हमको तो यूपीएससी लिखा हुआ पढ़ना ही चाहिए, नौटंकी देखो इनका। समझ गए क्या करना है? हाँ, कलम से भी नहीं खींचना है, यूं यूं बस पन्ना मोड़ दो, और एक एक पन्ना मत मोड़ना, 8 10 पन्ना लेना और उसको एक साथ मोड़ना, वरना बैठ के पन्ना ही मोड़ते रहोगे फिर। चलो टाइम पास करा देते इतना सारा। यहां पर संप्रीति था बांग्लादेश के साथ, और इंद्रधनुष ये यूके के साथ होता है, ठीक है, रशिया के साथ नहीं है, यूके, और जो संप्रीति है वो नेपाल नहीं है, बांग्लादेश। क्लियर है? पहला गलत, दूसरा गलत, आपका जो सी है वो दोनों गलत है, इसलिए सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, सोम शर्मा आप जो कर रहे हैं वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ढेर सारे होते हैं, तो चुन चुन के करना आप, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा टाइम मत लगाना, और चुनना कि हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, सारे क्वेश्चन उसमें अच्छे नहीं होते। ठीक है, हाँ
या तो आप एक काम ये कर सकते हो कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है ना इस साल का मेंस का, उसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद वो वाला देखना। स्पेसिमेन कॉपी लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा बांग्लादेश इंडिया संप्रीति बहुत अच्छे, दीपशिखा इंद्रधनुष इंडिया यूके बहुत बढ़िया। सर हम तो ऐसे ही करते हैं सर, क्लास में ग्रेटर थिनर क्या है? हाँ ठीक है, जो आता है ना डेली आंसर राइटिंग का, इनसाइट का चाहे दूसरों का, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उसमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं। आप डेली एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन डेली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर डेली लिखना ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिखते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बस अच्छा होना चाहिए। हाँ बट थैंक्स सर फॉर योर अवेलेबल सेशन एंड सर जी, आई नीड टू आस्क वन थिंग फॉर एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए, डूइंग पूनम दलाल दहिया फॉर मॉडर्न इन ऑन मॉडर्न ओनली स्पेक्ट्रम फॉर क्या, पूनम दलाल दहिया फॉर मॉडर्न ओनली स्पेक्ट्रम फॉर पॉलिटी ओनली लक्ष्मी का। अच्छा हाँ, पीएमएफ का बहुत अच्छा नोट्स है, जो नोट्स है ना पीएमएफ का बहुत बेहतरीन नोट्स है उसका, अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छा। हाँ सिंघानिया ठीक है, अरे कॉमा देना सीखो ना, बिना कॉमा का तुमने पूरा सेंटेंस लिख दिया, इतना सारा कैसे पढ़ेगा आदमी, कुछ काम होता है कॉमा फुल स्टॉप का, तभी तो बनाया गया है। ठीक है सही है, बस अपना जो सोर्स है उसको लिमिटेड रखिए, सोर्स जो है ना उसको लिमिटेड रखिए, सबसे मेन बात ये है, ये नहीं कि बस ये भी पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, रिवाइज करना मेन है उसमें, जो रिवीजन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ फिर तुम पीएमएफ कौन सा सब्जेक्ट, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं सुनना है, नहीं समझना है, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। हाँ ध्यान सुनिएगा, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम ओनली, एंशियंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी, मिडिएवल इंडिया के लिए एनसीईआरटी। पढ़ने का मन है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ो मॉडर्न मिडिएवल, कोई जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना, एंशियंट अच्छे से पढ़ लेना, ये आपका हो गया हिस्ट्री। पॉलिटी के लिए मैंने क्या बताया, लक्ष्मी, और जो नोट्स मैंने बताया था ना जो दिल्ली से मंगाने थे वो वाला, पुरी के जो नोट्स थे वो मंगा लेना, ठीक है बस ये। अब आती है बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी में जो मृणाल सर के नोट्स हैं वो देख लेना, ठीक है ना, दिल्ली फ़ोन करना, उनको बोलना कि मुझे मृणाल सर के नोट्स चाहिए, दे दीजिए मुझे, तो भेज देंगे आपके घर पे, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं उनके, ठीक है। हाँ इसके अलावा जो आपका करेंट है मंथली वाला, ये वाला ठीक है, हाँ तो ये बातें हो गई। नोट्स कौन से आपको चाहिए होंगे मैं बता दूंगा आपको पहले, जैसे कि इथिक्स का, इथिक्स का मैंने आपको लेक्चर भी दिया था और जो नोट्स आपको मैंने वो भी दिया था, उतना ही पढ़ना है बस, इथिक्स के लिए इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा केवल आंसर राइटिंग करनी है। इथिक्स का सबसे अच्छा तैयारी आंसर राइटिंग से होता है, जो कोचिंग के टेस्ट पेपर्स हैं ना उनको सॉल्व कीजिए, उसका जो मॉडल आंसर है वो पढ़िए। जैसे कि मैंने किया था, क्या बोलते हैं, जो कोचिंग है ना मेरे 121 मार्क्स थे मेंस में, जीएस फोर में 121 मार्क्स थे, अच्छे मार्क्स कहलाते हैं 121, 100 के ऊपर जो मार्क्स होते हैं ना जीएस में, ठीक है। हाँ मेरा GS 3 में थोड़ा सा नंबर कम रह गया था, इस कारण से दिक्कत हुई थी फिर उसमें, ठीक है इतना हो गया काम। ये बताओ जो आइस है इटालियन आल्प, आल्प पता है ना क्या होता है, माउंटेन रेंज है ये, पिंक हो गया है, ठीक है पिंक, ये सब लड़कियों को ज़्यादा दिखता है कि लाल है पिंक है, मेरे लिए सब कुछ लाल है, पिंक भी लाल है लाल भी लाल है, और लाल के आसपास जो भी कलर है ना सब लाल है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो
पिंक ह्यू इज कॉज्ड बाय एल्गी दैट एक्सेलरेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नहीं, आँख खराब नहीं, आँख में कोई दिक्कत नहीं है, बस कलर की समस्या है, कलर का नाम नहीं पता। ठीक है, जैसे कि एक होता है ब्लू, एक होता है ब्लू, फिर इसको पता करने, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, मैं कहता हूँ ब्लू। ठीक है, अब जैसे कि एक और ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये कुछ कूपन ओपन है 500 रुपये का। तो सब ही कलर दिखता है, हाँ स्काई ब्लू। ये स्काई ब्लू क्या होता है जी, ब्लू ब्लू होता है, नेवी ब्लू। अरे आप में लक्षण थोड़े से महिलाओं के हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, ये ब्लू, वो ब्लू, ब्लू बोलो, सी ब्लू है। हो गया यहाँ पर बात। इसका आंसर आपका पहला जो है वो सही है, ठीक है। हाँ, तुम सोचो अगर बर्फ पर एल्गी लेट जाए, अगर बर्फ पर एल्गी लेट जाए तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो अल्बेडो है, अल्बेडो है वो क्या होगा, घटेगा। हाँ, इस क्लास में जो बेइज्जती है वो अगर किसी और पर्पस के लिए किया जाए तो लाइट लेना है, अगर पढ़ाई करने के लिए बेइज्जती किया जाए तो उसको सीरियसली लेना है, ठीक है ना, एकदम कलेजे पे कि सर बेइज्जती कर दिया हमको आज, तो अब तो साला पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बढ़िया, तो आपका पहला जो है वो सही है, दूसरा आपका गलत है, ए आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत है नहीं। तो जो अल्बेडो है वो कम होगा, क्यों सर, क्योंकि जितना हल्का रंग होता है उतना ज़्यादा आपका रिफ्लेक्शन होता है इसका, सूर्य की जो किरणें आती हैं ना जो पड़ते हैं ज़मीन पर उसका, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इंक्रीजिंग अल्बेडो, अल्बेडो जो होता है ना वो इंक्रीज करते हुए इसको सजाने के लिए देगा आपको, तो करना क्या, दृष्टि का एक क्वेश्चन बैंक आता है, क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन बैंक आता है प्रिलिम्स का, वो ले लेना एक, इसको सॉल्व कर डालो। वैसे पीडीएफ इसका फ्री मौजूद है नेट पर, मगर 200 रुपये लगा करके इसको खरीद लेना, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम की है। देखो, जिनको समस्या होती है कि सर टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर आते हैं मगर प्रीलिम्स मेरे नंबर नहीं आते, इसका मतलब ये है कि टेस्ट का जो लैंग्वेज है वो आप डिकोड करना सीख गए हैं, मगर जो यूपीएससी का लैंग्वेज है वो आप डिकोड नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है ना यूपीएससी का वो सॉल्व करना है। मैंने अपने टाइम में इसको सॉल्व किया था प्रीलिम्स का, जो आता ना डिस्ट्रिक का, अभी तो उसमें काफ़ी चेंज कर दिया है, जो आंसर थे गलत गलत वाले उसको ठीक कर दिया है शायद, तो इसको ले लेना, सस्ता मिलता है, उसको पढ़ना, मतलब उसको सॉल्व करना बैठ करके। जैसे कि आपका पॉलिटी, देखो ध्यान से, आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना इंडियन पॉलिटी, तो जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं ना उनका सॉल्व करो बैठ के, किताब में टिक नहीं मारना, किताब में टिक नहीं मारना, पन्ना लेकर के बैठना, उसमें लिखना 1 का आंसर ए, 2 का आंसर बी, और किताब पीछे पलट करके आंसर मैच करके यहाँ पर टिक मारना, यूँ करके, ये गलत हो गया, सही हो गया, तीसरा सही हो गया, ऐसा करके, फिर अंतिम में अपना स्कोर चेक करना, अंतिम अपना स्कोर चेक करना। एक काम करते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, जो टारगेट है डेली टारगेट वाला मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, दृष्टि का तुम किताब खरीदो ये वाला मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। डेली टारगेट में मैं यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक खत्म कर दूंगा, आप किताब खरीद लो, ठीक है, आपको किताब का मैं लिंक दे दूंगा, उसको ले लेना और इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले कर लिया है तो आपका रिविजन हो जाएगा, अगर नहीं किया है तो कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, चूंकि अभी ही समय है करने का, अभी मार्च शुरू हुआ है, अभी समय है करने का, अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं ज़्यादा लोड नहीं होगा उसके लिए, हम हैं, करा देंगे उसको, ठीक है ना। अभी जो आपको मैं 8 घंटा देता हूँ ना पढ़ाने पढ़ने के लिए, ये 8 घंटे का नहीं होता, ये एक्चुअली 6.5-7 घंटे का ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा पुश कर सकते हैं आप। अरे मृणाल सर वाला ही है दृष्टि का, वो उसी को, मतलब उनका उस पर नाम लिखा हुआ है दृष्टि वाला, ठीक है ना, उन्हीं का है। हाँ, सीसेट में क्या करें सर, तो सीसेट के लिए
उसका मुझे नहीं पता, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज वीडियो आएंगे, सी सेट का वीडियो आज आएगा आपका, उसको देख लेना। हाँ थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन टफ किया है अब, क्योंकि अभी तीसरा वीडियो आएगा ना उसका, टाइम एंड वर्क वाला। अब सवाल करो यार, तुम टाइम पास करवाते हो। हाँ इस बताना, इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने ये कहा है कि हम फेज आउट कर देंगे कोयले को और न्यूक्लियर एनर्जी को? ठीक है, तो दिशा का ही तो मैं क्या, मैंने कौन सा बोला, दिशा का ही बोला ना अभी, कुछ और बोला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने किसका बताया? नहीं, दृष्टि नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दिशा का, दिशा का, दिशा का लीजिएगा, अरे ध्यान नहीं गया, दिशा का लीजिएगा, ठीक है ना, दृष्टि दृष्टि नहीं है, दिशा का कह रहा हूँ। होगा यार, कहाँ है, कुछ नहीं है। ना ठीक है, लिखना दिशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, वो ले लेना, अमेजोन पे चाहे फ्लिपकार्ट, कहीं भी सस्ता मिले ले लेना उसको, जहाँ सस्ता मिलेगा, ठीक है। अरे जो भी है फर्क नहीं पड़ता यार, तुम सॉल्व करो बस। हाँ तो जो आपका जर्मनी है, इन्होंने कहा है कि हम जो कोयला है और जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना उसको हम फेज आउट कर देंगे, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उनसे अपना जो सोर्स है, जो जो ऊर्जा है वो हम पैदा करेंगे। क्लियर बात? हाँ तो ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है, अभी शुरू किया है, और 2038 तक ये पूरा काम उनका हो जाएगा। ये होते हैं देश, और ये सब काम ऐसे ही देश कर सकते हैं, जर्मनी जैसे छोटे कंट्री, और जिनके पास जो आत्मशक्ति हो बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन में इतना नुकसान सहने के बाद भी ये कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 के लिए उठ खड़ा हुआ। हाँ कई सारे कंट्री हैं देश में, दुनिया में, जो हमारे लिए एक मिसाल पैदा करते हैं। एक है जर्मनी, दूसरा है जापान। जापान में डिसिप्लिन इतना ज़्यादा है कि हम लोग सीख सकते हैं उनसे, वहाँ पर उनकी में जो पोलाइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा वीडियो फेसबुक पर कहीं और, कि जब जापान और दूसरी कंट्री के बीच में कोई मैच होता है, मान लो कि फुटबॉल मैच होता है, ये लोग फुटबॉल खूब खेलते हैं जापान वाले, तो जो फुटबॉल मैच होता है ना उसके बाद वो लोग सफाई करते हैं स्टेडियम का, अपने जहाँ जहाँ बैठे होते हैं वो लोग, कि हम आए हैं, कूड़ा फैला के नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बोतल लेके आए हैं, लेके तो नहीं जाएंगे, तुम ही रखो बोतल को, ठीक है, अब ट्रेन में चिनिया बादाम खा रहे हैं तो लेके तो नहीं जाएंगे, छिलका हम छोड़ेंगे वहीं पर। इंटरकास्ट मैरिज भी होती है वहाँ पर, अच्छा चलो ध्यान सुनना, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, इनके अनुसार जो हमारे यहाँ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है ना वो 347 गीगावाट के करीब है, ठीक है। और ये सब मैंने कागज़ में लिख लिख के याद किया था, ये सब किसी को याद नहीं रहता, जाए याद रखना, जो डाटा है ना ये सब किसी को याद नहीं रहता, दिखाता हूँ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये नोट्स नहीं है, ये एक्चुअली लिख लिख के याद किया गया है, दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत दिख रहा है ऐसा, इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा है जी, क्या है, चोक पॉइंट मलक्का, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इस तरह से, टू काउंटर चाइनाज पावर प्रोजेक्शन, इंटीग्रेशन विथ रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, दिख रहा है ना क्या लिखा है? तो इस तरह से हम जो अपना लिखते हैं, देखो देखो देखो, म्यांमार, इसके बारे में मैंने बस 3 पॉइंट लिखा है, नेपाल, इसके बारे में मैंने इतने पॉइंट लिखे हैं, 5-6 पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि नेपाल न्यूज़ में था इसके लिए, जो है ना कौन सा था, का केस नंबर था कुछ उसका, जो इसमें था मालदीव, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने केवल 1 पॉइंट लिखा है इसके बारे में, और ये आपका है बांग्लादेश, इसके बारे में मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है, ठीक है।
कालादान म्यांमार का है, पिट कुछ और नाम है नेपाल का, क्या भूल गया मैं, काला पानी। ठीक है, तो इस तरह का कुछ नोट्स है ना बनाने हैं। देखो नोट्स नहीं, मतलब एक्चुअली लिख लिख के याद किया था उसको मेंस के लिए। तो यही काम करना है। मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट में ये सब काम नहीं किया था क्योंकि पता नहीं था कैसे करना होता है, इस तरह से लिखना होता है, इससे फायदा होता है। जब होता क्या है ना कि आप काफी कुछ देख करके सीखते हैं, दूसरे लोग कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से वो नोट्स बनाते हैं, किस तरह से वो पढ़ते हैं, याद करते हैं, काफी कुछ हम लोग देख करके सीखते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से पढ़ना होता है। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये आपका जिम्मेदारी है, आपकी जगह पर और कोई तो पढ़ेगा नहीं, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। मगर अगर तुम लिख के पढ़ोगे तो तुमको याद रहेगा, जो समस्या होती है ना भूलने की, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, जो आपका थर्मल पावर है वो 64% कंट्रीब्यूट करता है। अगर 100 गीगावाट भारत पैदा कर रहा है तो 100 में से 64 गीगावाट थर्मल से आएगा। न्यूक्लियर बहुत ही कम है, 1.9% है। नवीकरणीय ऊर्जा 21 है। हुआ क्या था कि जो आपके लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है ना, इनको रिन्यूएबल मान लिया गया था। अगर ऐसा कर लिया गया तो इसके बाद 34% हो गया नवीकरणीय ऊर्जा का हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन। क्लियर बात है। विंड 10%, सोलर 4%। जो आपका सोलर मिशन है ना उसके अंतर्गत 100 गीगावाट करना है 2022 तक के। ठीक है, हाइड्रो 13%। ये सब अपडेट करना पड़ेगा, वरना याद रखना, याद रखो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 साल पुराना चलता है। जो आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 27% है। मतलब कि जितनी बिजली आती है उसका 27% बिजली लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है ना, पहला तार में प्रतिरोध होता है, उससे बिजली का क्षति होता है, क्षय होता है। दूसरा, लोग टाका लगाते हैं तार में, बिजली की चोरी करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक ना, तो सारा मिला करके 27% बिजली हमारे यहाँ गोल हो जाता है। ठीक है, आगे भी है नोट्स, पढ़ लेना इसको। मेन समस्या हमारा है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में। हम लोग चाहते हैं कि सोलर पावर हमारा बढ़े, मगर 92% जो हमारा इक्विपमेंट है वो इम्पोर्ट से आता है, वो इम्पोर्ट से आता है। पर कैपिटा कंजम्पशन बिजली का हमारे यहाँ केवल 1200 किलोवाट है, जो कि दुनिया के सबसे कम में से है। वेस्टर्न कंट्रीज इससे कई गुना ज्यादा जो बिजली है वो खर्च करते हैं, बिजली है जो खर्च करते हैं। एक्चुअली हम लोग कार्बन का उत्सर्जन में भी सबसे कम में हैं, बिजली की खपत में सबसे कम में हैं। एक्चुअली हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है ना, तो हमें ज़रूरत कम पड़ती है, उनको अपना घर गर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ती है बिजली की, क्योंकि चूंकि ठंडा प्रदेश है, बाहर ठंड जमी है पूरा एकदम, तो अंदर चलाना पड़ेगा ना हीटर। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ठंड के दिनों में हम लोग हीटर चलाते हैं, गर्मी में हम लोग चलाते हैं पंखा और कूलर वगैरह जो भी है। ठीक है, आपका जो अर्बन और ग्रामीण गैप है 71% है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में। हाँ, तो यहाँ पर जो समस्या है ना वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको आपको ठीक करना है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बेस ये हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है, किसका, जो मैन्युफैक्चरिंग सोलर का, उसका उसका जैसे कि हम लोग अधिकांश जो माल है, जो सोलर का जो प्लेट है, उसको हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, दूसरी कंट्री से। ठीक है ना, पॉलीसिलिकॉन, ये सब जो वाफर्स होते हैं वो सब, तो हमको अपने ही कंट्री में इसको मैन्युफैक्चर करना है ताकि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम पड़े। ठीक है, हाँ, कोरोना लॉस, थर्मल लॉस, पावर थिफ्टिंग, हाँ बहुत अच्छा है। कोरोना लॉस ये क्या होता है सर, हिंदी में है क्या, प्लीज सर बताइए कौन सा भाषा में लिखा हुआ है, कितना टफ है क्या अंग्रेजी। अरे यार, हिंदी अंग्रेजी करते रह जाओगे ऐसे कैसे चलेगा। लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस, क्या इसका समझ में नहीं आया क्या लिखा है, ये मेरा नोट्स है, इसका हम हिंदी क्यों करेंगे। ठीक है, विंटर डीजल पढ़ लीजिए, समझ जाइए कि क्या है क्या नहीं है, अपनी भाषा में लिख लो फिर, थोड़ा सा करना पड़ेगा, हिंदी माध्यम में समस्या तो है जरा सा कंटेंट का। तो हाँ,
आयनाइजेशन लॉस को ही कोरोना लॉस कहते हैं। अच्छा, मुझे लगा तुम ताने मार रहे कोरोना लॉस कि कोरोना में सर जब लॉकडाउन लगा था तो कोई चेक करने नहीं आया बिजली, लोग टाका मार रहे हैं। इट डज नॉट लूजेज इट्स फ्लूडिटी फंक्शन इन एक्सट्रीम विंटर कंडीशन। इट मीट BIS स्पेसिफिकेशन, BIS ग्रेड 6। विंटर डीजल एक नया इनोवेशन है, ध्यान से बताना क्या आंसर है इसका। ज्यादा नहीं सर, बहुत सारे समस्या है। हाँ बात तो सही है, फिर क्या किया जाए। देखो अंग्रेजी तो पढ़ने आना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमको मेंस में पेपर सॉल्व करना है यार अंग्रेजी का। कैसे होगा, कैसे होगा बताइए। देखो ये निबंध है, GS 1 है, GS 2, GS 3, GS 4। देखो ये हैं दो पेपर, ये पेपर है हिंदी कंपलसरी का, ठीक है ना, और ये पेपर है आपका अंग्रेजी कंपलसरी का। ये जो आपका पेपर होता है वो मेंस में GS पेपर के बाद होता है, और यहाँ पर अच्छा खासा आपको टफनेस रहता है। तो आपको अंग्रेजी अगर खराब है तो अच्छा करना पड़ेगा, वरना ये पेपर पास नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे। बाकी पेपर तो बाद में एवेल्युएट होगा, ये समस्या हो जाएगी। करते क्या है कि सबसे पहले ये लोग आपको अंग्रेजी में लिखने के लिए देते हैं ऐसे 600 वर्ड में आपको एक निबंध लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है आपको 600 वर्ड में, ठीक है। ये होता है आपका 100 मार्क्स का, पूरा पेपर 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स में 100 मार्क्स का आपका निबंध है। तो अगर आप अंग्रेजी में निबंध नहीं लिख पाएंगे तो कैसे है, समस्या है ना फिर तो, ठीक है। तो अगर आपका माध्यम हिंदी भी है तो अंग्रेजी में निबंध लिखना आना चाहिए, वरना 100 नंबर तुम्हारा गया, 100 नंबर तुम्हारा ऐसे ही चला गया। उसके बाद क्या होता है, संक्षेपण होता है, कॉन्साइज करना होता है, अंग्रेजी पढ़ करके इसको छोटा करना होता है, और ये भी आसान नहीं है। 75 नंबर का ये है, तो 100 नंबर हो गया आपका निबंध, 75 नंबर आपका हो गया संक्षेपण कॉन्साइज करने वाला, 175 मार्क्स आपका हो गया। कितना और बचा बाबू, कितना मार्क्स बचा, 125 मार्क्स और बचा, 125 मार्क्स में तुम कितना ले आओगे। और वो भी उसके बाद और भी है बताता हूं, इसके बाद आपको क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको आंसर करना होगा, पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ में इसको पढ़ करके आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, ठीक है। फिर आपको ग्रामर पूछते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 300 का पेपर है, आपको क्वालिफाई करना होता है, नहीं करोगे तो पेपर GS का चेक नहीं होगा। तो अंग्रेजी अंग्रेजी रोना बंद कीजिए और अंग्रेजी ठीक कीजिए, समझ गए। यहां पर किसी भाव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा पर्पस नहीं था, भावनाओं को उठा के छत से फेंकना हमारा पर्पस था। अगर आपकी भावना ये है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेजी बेटा पढ़ना पड़ेगा तुमको, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। हाँ, भावना चोट लगे कुछ हो, सच्चाई ये है कि पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा, टफ नहीं है यार, टफ नहीं है। सोचो तुम इतनी सारी किताब पढ़ सकते हो, तुम पॉलिटी पढ़ सकते हो, मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हो, तुम हल्का सा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। और ये नहीं कि तुमको ग्रामर पढ़ना है उतना ज़्यादा, नहीं, बस तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना सीख जाओ, द हिंदू भी नहीं, एक्सप्रेस पढ़ना सीख जाओ, बस उतना ही करना है। सीखेंगे कैसे सर, अपना वोकैब ठीक करो, क्या करो, वोकैबुलरी ठीक करो। ये कैसे करेंगे सर, आप जब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते टाइम जो भी आपको वर्ड का मतलब नहीं आता उसको कागज़ पर लिखते जाइए, ठीक है। मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू किया था 2014 में, मुझे द हिंदू पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी,
दिक्कत का मतलब ये है कि अगर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी तो मेरा आधा पन्ना भर गया वर्ड से। मजाक नहीं कर रहा, मैं सही सही बता रहा हूँ। तो हुआ क्या ना कि आप 10 दिन 15 दिन ऐसा काम करेंगे, जो शब्द है ना वो लिखते जाएंगे, 15 दिन के बाद आपको कम शब्द लिखने पड़ेंगे कागज़ पर, क्योंकि आपको अधिकांश का मतलब पता हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, हाँ, यूपीएससी को बोलेंगे इसको भी हिंदी में अनुवाद करके दो पहले। वहाँ पर काम आपका अंग्रेजी में होगा ना, जहाँ जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो गया, जब जाएंगे आईएएस बन करके। ठीक है, हाँ, तो अंग्रेजी काम भर तो आना चाहिए ना, ये पेपर पास करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए यूपीएससी ने कहा है कि ये पेपर पास करोगे तब हम जीएस का चेक करेंगे तुम्हारा कॉपी, वरना तुम्हारा नंबर ही रिलीज नहीं करेंगे वो लोग। मान लो कि तुमने जीएस में फोड़ दिया एकदम, जीएस में तुमने फोड़ दिया, तुमने ऑप्शन एकदम रद्द कर दिया, मगर तुम फेल हो गए इंग्लिश में ही, तो तुम्हारा कॉपी जीएस का चेक नहीं होगा। ये समस्या होती है, तुमको अपना मार्क्स पता नहीं चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स आए होंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर दोनों बातें सही है। विंटर डीजल के बारे में देखो, डीजल जो हमारा हमारा जो फ्यूल होता है ना, ठंडे प्रदेशों में जाके जम जाता है, टंकी में पेट्रोल डीजल जम जाता है, इसी कारण से गाड़ी नहीं चलती। तो ये जो विंटर डीजल है ये फ्लूइड बना रहता है, तरल अवस्था में होता है, एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में भी, और इसमें सल्फर कंटेंट लो होता है, तो धुआं जो निकलेगा ना वो उतना खराब, मतलब धुआं तो धुआं होता है मगर उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता जितना बाकी होता है। तो आपका सेकंड जो पहला है वो सही है। ये ग्रेड 6, भारत स्टेज 6 जो होता है ना व्हीकल का ग्रेड फ्यूल का, उसको कन्फर्म करता है, उसके तुलना में मतलब उसी की तुलना का होता है। तो 1 एंड 2 सही है, सी आपका सही जवाब, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। हाँ, अगला सवाल कीजिएगा। ये हो गया, ये बनाया गया है हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है ना उनके लिए। जैसे कि आपका लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, इसीलिए ये सब चीज़ें डेवलप करी गई हैं। -30 डिग्री सेल्सियस में आपको वहाँ पर इसको काम कर सकता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, मेरे कॉलेज का है, संदीप नाम है, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई किया है, वो लद्दाख में पोस्टेड है। वो व्हाट्सएप पे लगाता है स्टेटस डेली, बर्फ़ गिर रहा है, वो गिर रहा है बर्फ़ में, गाड़ी लेके जा रहा है आगे, अवलांचे आ गया, तो इस तरह का वीडियो डालता रहता है स्टेटस पे अपने, देखता रहते हैं, मज़ा आता है। तो वो दिखाता है कि कितना कठिन जीवन है वहाँ पे लद्दाख में। सोचो, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई करके गया है, वो इंजीनियर है वहाँ पर, और वहाँ पर जीवन कितना कठिन है लद्दाख के एरिया में। एक छोटा सा क्वार्टर दिया जाता है उसको, और वहाँ पर जो किरोसिन होता है ना उससे वहाँ पर गर्मी करी जाती है, उसका एक अलग मशीन होता है रूम गर्म करने का। हाँ, अगला आपका है एग्जोटिक स्पीसीज, इसके बारे में स्टेटस लगाया है क्या? स्टेटस स्टेटस नहीं है, आज नहीं लगाया है, लगाएगा दिखाएंगे अगली बार आपको। ठीक है, आज नहीं लगाया है। चलो बताना क्या आंसर है इसके बारे में सही। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। तो यहां पर आपका जो एक्सोटिक स्पीसीज है वो कौन सा होता है? ये वो स्पीसीज होती हैं जो एलियन होते हैं, नॉन नेटिव होते हैं, जो उस इकोसिस्टम का अपना प्रजाति नहीं होता। ठीक है, नॉन नेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, आपके जो नदी तालाब जैसे कि जो होते हैं ना नालियाँ, वहाँ पर जिसको हम लोग सिंघाड़ा कहते हैं, वाटर हाइंथ कहते हैं क्या उसको अंग्रेजी में, तो वो
वो एलियन है, नॉन नेटिव है, वो इन्वेसिव भी है, वो जो स्पीसीज है वो, ठीक है ना। ये अपने ज्योग्राफिकल रेंज के आउटसाइड पाया जाता है, वो पौधा भी हो सकता है और वो पशु भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसको साइट्स के अंतर्गत नेम किया जाता है और इसके लिए कोई भी अलग शेड्यूल नहीं है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। WPA में 6 शेड्यूल हैं, जो छठा शेड्यूल है वो उन पौधों के लिए है जिनका कल्टीवेशन हमारे यहाँ बैंड है। क्यों सर? जैसे कि हाँ, उसको जलकुंभी बोलते हैं, क्योंकि जैसे गांजा वगैरह है, मैरिजुआना वगैरह, इसका हमारे कल्टीवेशन केवल मेडिसिनल पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। मगर कई सारे इलाके जो होते हैं वो दूर दराज के इलाके होते हैं ना, वहाँ पर उगाते हैं कई सारे लोग कुछ और पर्पज़ के लिए भी। तो आपका यहाँ पर जो पहला है वो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, ठीक है। आपका क्या आंसर हो गया? ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। अगला आपका सवाल है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में। दीज आर कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड डैट हैव बीन नज्ड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ नियर बाय प्लेनेट इन टू ऑर्बिट्स डैट अलाउ देम टू इंटर द अर्थ नेबरहुड। दूसरा, क्या ये बना हुआ होता है वाटर आइस का और डस्ट पार्टिकल का? सवाल पूछ रहा है आपका नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में, ध्यान से बताना। ठीक है। हाँ, तो आपके यहाँ पर जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जो कॉमेट्स हैं। अच्छा, पता है ना, ये कॉमेट के पीछे एक पूंछ होती है, वो पूंछ कैसे बनती है? क्या वो आग होता है? बस खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं लो। डस्ट पार्टिकल्स। जो कॉमेट होता है उसमें आपके जो आइस होते हैं ना, वो जमी हुई अवस्था में होती है। जब कॉमेट सूर्य के नज़दीक आता है तो सूर्य की ऊष्मा से ये जो आइस होता है वो वेपर में, जो गैस में तब्दील होता है, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी निकलते हैं। एस्ट्रॉयड में भी ये होता है। तो ये, इसको हम कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ग्रह का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उससे प्रभावित होता है, उसकी तरफ वो जाता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ वाटर आइस। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। और इसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। आपका दूसरा जो है वो सही है। क्लियर है? हाँ, सन सन के पास आने से मेल्ट होता है, ठीक है। अगला आपका एक सवाल है, एक रिपोर्ट पर है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2020 रिपोर्ट। इसे किसने पब्लिश किया था? सेंचुरी एशिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट, ए और सी के द्वारा जॉइंटली? बताना आंसर। ठीक है। हाँ, आपने एक मैगजीन देखी है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये दोनों मिलकर के इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। क्लियर बात? हाँ, इसके अनुसार इंडिया में करीब 50 लाख इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए हैं डिजास्टर्स के द्वारा, ठीक है। जो आपके अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका बाढ़ आता है, साइक्लोन आता है, ड्राउट आता है, इससे 50 लाख के करीब लोग डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये मेन समस्या है। जो आपका इंटरनल डिस्पर्शन मतलब क्या होता है कि लोग मूव कर रहे हैं अपने इलाकों से, जो सेफ एरिया है, जैसे कि आपका उड़ीसा है, जो कोस्ट आपका है उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पर आपका साइक्लोन हर साल आता है, हर साल हिट करता है, वो साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में पैदा होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा है, किसका? सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, तो ये बातें हो गई। जो लोग मेरी क्लास में नए हैं, जो लोग इस क्लास में नए हैं, जो अभी जुड़े हैं, उन्हें बता दिया जाए, क्लास हमारी शुरू होती है 10 बजे से रोज़, 10 AM डेली ऐप पर। और आपको YouTube पर जा कर के जो टारगेट है वो सर्च करना है। क्या करना है? आप जाएंगे, आप लिखेंगे जाकर YouTube पर डेली टारगेट सुमंत, आपको क्लास मिल जाएगी। वो क्लास में हम बताते हैं कि क्या आपका आज का पढ़ने के लिए गोल रहेगा, ठीक है ना। हाँ, आज 9 PM पर आपको जो लिंक है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम है ADSUMANT, ठीक है, काम हो जाएगा। हाँ, और कोई सवाल पूछना है आपको? हाँ, चाय बनाएंगे सब मिलकर, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है क्या विष्णु? चाय, अच्छा ठीक है। GS4 इथिक्स के नोट्स टेलीग्राम पर डाला हुआ है, उसको देख लेना। टेलीग्राम पर जो है ना सेशन फाइल का, उसमें जाना ऊपर, आपको मिल जाएगा PDF उसका, GS4 का नोट्स, विकास देख लेना उसको। और कुछ पूछना हो? दिल्ली के नोट्स वो भी इंक्लूड कर दीजिएगा। अरे तो मुझे थोड़े करना है, तुमको मंगाना है ना। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले भी सर दिशा, हाँ उसका PDF डाल देंगे, उसका PDF डाल देते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और इंग्लिश और कोरोना के साथ जीना सीखो। हाँ, पढ़ना पड़ेगा यार अंग्रेजी, उसके बिना काम नहीं है, भागने से काम नहीं होगा इसमें। बात यह है ना कि पेपर है, अगर केवल समझना होता तो ठीक है हम पढ़ लेते, मगर वहाँ पर लिखना है ना एग्ज़ाम में इंग्लिश में, वो मेन है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और कैसे सीखना है अंग्रेज़ी? आपको मैंने बता दिया है, वो कैब आपको ठीक करना पड़ेगा,